हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कंसंटेशन टर्म के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड बहुत कम कैलकुलेशन करके भी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है। एक होमोजीनियस मिक्सचर, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे घर में हमारे वाटर होता है और उसमें खाने वाला नमक डैट इज़ सॉल्ट ऐड कर दो, तो डालने से पहले वो कैसा रहता है, सॉल्ट सॉलिड रहता है और वाटर लिक्विड। लेकिन जब दोनों को ऐड कर दे तो कैसा हो जाता है, पूरा लिक्विड हो जाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, प्रॉपरली मिक्स हो गया। अब आप उसको सेपरेट इजीली नहीं कर सकते, तो इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। और यहीं से एक पॉइंट और निकल के आया, ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन का स्टेट वही होता है जो सॉल्वेंट का। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट का लिक्विड था तो सॉल्यूशन का भी स्टेट लिक्विड ही हो गया। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना, सॉल्यूशन का स्टेट वही होता है जो सॉल्वेंट का है। तो ये इजी, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते। नाउ वो ट्रिक की बात करते हैं जिसमें हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म को एक साथ समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं वो सब के सब का बेसिक फंडा बेटा यही है, और इसलिए यही ट्रिक का पॉइंट है। ऑलवेज ऊपर में सॉल्यूट होंगे। कौन होंगे ऊपर में? ऊपर में ऑलवेज सॉल्यूट होगा, नीचे में सॉल्यूशन होगा 99%। सिर्फ एक केस में सॉल्वेंट है, समझ गए बात। ऊपर में सॉल्यूट का आप क्या क्या ले सकते हो, आइदर वेट या मास। केमिस्ट्री में वेट या मास एक ही बात है, सॉल्यूट के मास या वेट हो सकता है, या वॉल्यूम हो सकता है, या मोल हो सकता है, राइट। वैसे नीचे में सॉल्यूशन का वेट या मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या मोल हो सकता है। तो ये फिक्स है बेटा, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म कैसे डिफाइंड होगा, ऊपर में सॉल्यूट रहेंगे, नीचे में सॉल्यूशन रहेगा, सिर्फ एक केस में सॉल्वेंट रहेंगे। अब ये डिफरेंट एक तरीके से क्या हो गया, तरीका हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का। तो हमारे जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको मैंने दो टाइप में डिवाइड किया, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो सारे कंसंट्रेशन टर्म है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं या टेम्परेचर पे। ये वॉल्यूम या टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, डैट मीन्स ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, राइट। और उसमें टोटल फाइव हैं और इजी हैं, ध्यान से देखना। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बाय वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एकदम इसके इसमें ही इसका आपका डिफिनेशन छुपा हुआ, और डिफिनेशन ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस पे ही ध्यान नहीं देते हैं इसलिए वो कन्फ्यूज रहते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तभी बताया ऊपर में कौन होगा सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में कौन होगा सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओनली थिंग इज कि बाई डिफॉल्ट हम लोग वेट ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम ml में लेंगे, और परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100, इसलिए यूनिट इसका ध्यान रखना ग्राम पर ml हो जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज वी बाई वी, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, ऊपर में अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि दोनों वॉल्यूम का रेशियो है तो आप किसी भी यूनिट में ले सकते हो। ओनली थिंग इज कि दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, ml ml में ले सकते हैं, लीटर लीटर में, मीटर क्यू में, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज है। जनरली जब हमें सॉल्व करना हो तो हम ml में बात करते हैं कि कितना ml सॉल्यूट का, कितने ml सॉल्यूशन का, राइट। तो ये ध्यान रखना है। वैसे ही स्ट्रेंथ एक वर्ड यूज होता है, तो वो भी वेट बाय वॉल्यूम ही है एक तरीके से, बट ओनली थिंग इज कि वेट अभी भी ग्राम में ले रहे सॉल्यूट का, लेकिन वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में लेना है, लीटर में, इसलिए ये ग्राम पर लीटर है। इसलिए इसका और इसका रिलेशन यहीं से निकल जाएगा कि स्ट्रेंथ जो होगा वो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैट इज मोलारिटी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज भी करेंगे। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऊपर में सॉल्यूट के, नीचे में वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ध्यान रहे कि इसमें लीटर में फिक्स है, तो ये मोल्स पर लीटर है। और वैसे ही एक होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कैसे डिफाइंड होता है, मोलारिटी जो ये है इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, एसिड के केस में कितना एच प्लस वो दे रहा है, बेस के केस में कितना ओ एच माइनस वो दे रहा है, एंड सॉल्ट के केस में कितना टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, यहाँ से आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो पांच आपको टाइप ए वाले कंसंट्रेशन टर्म है सब इसी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर में सॉल्यूट है सब में, नीचे में सॉल्यूशन है, राइट। और डिपेंडिंग क्या वेट ले रहे हो बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ले रहे हो तो वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएंगे, राइट। मोल्स वाई वॉल्यूम ले सकते हैं तो वही मोलारिटी हो गया। तो इनमें ऊपर में से कोई एक चूज करना है, नीचे में से कोई एक, और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना करके ये सब कंसंट्रेशन टर्म है। इसलिए रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, यहीं से आपको करना है।
दूसरा जो है टाइप बी, डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करते हैं, और मास पे डिपेंड करने की वजह से टेम्परेचर से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसी वजह से ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। राइट नाउ इसमें कौन है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो नेम से क्लियर हो गया डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऊपर में सॉल्यूट होगा, नीचे में सॉल्यूशन होंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज जहाँ पे भी वर्ड हो तो मतलब 100 में बात हो रही है। अगेन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है तो सिर्फ यहाँ पे यूनिट मेंटेन करना है, ग्राम ग्राम में ले सकते हो, मिलीग्राम मिलीग्राम में, केजी केजी में, जो यूनिट जनरली हमें कुछ नहीं गिवन हो तो हम किस में बात करते हैं, ग्राम में बात करते हैं। राइट वैसे ही एक होता है पार्ट्स पर मिलियन एंड एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, पी पी एम पी पी बी, तो ये भी इसको ही देख करके बच्चे डर जाते हैं, कुछ नहीं है ये परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जैसा ही है, बस ओनली थिंग परसेंटेज था तो आपने 100 लिया यहाँ पे, डेट इज 10 की पावर 2 लिया, तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या लेना है, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, और पार्ट्स पर बिलियन होगा तो क्या लोगे 10 की पावर 9, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, मास ऑफ सॉल्यूट नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसलिए ये नया चीज़ नहीं है। वैसे ही एक होता है मोलालिटी, ध्यान रहे ये है मोलालिटी कैपिटल एम और ये है मोलालिटी स्मॉल एम, तो ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे में बस यही वो केस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट आ रहा है, ओनली केस है जहाँ पे सॉल्वेंट है, अदरवाइज नीचे में ऑलवेज सॉल्यूशन होता है। और मास लेना सॉल्वेंट का वो भी किस में, फिक्स है केजी में, इसलिए इसका यूनिट ध्यान में रखना है, ये फिक्स है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, इसी में आपको लेके आना है। वैसे ही मोल फ्रैक्शन, तो नेम से क्लियर है फ्रैक्शन मतलब 1 से लेस हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मतलब जिसका भी निकाल रहे हो उसके मोल्स ऊपर में सॉल्यूट के, नीचे में टोटल मोल्स हो जाएंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, तो ये मोल फ्रैक्शन है। नाउ ध्यान से देखो, तो अगर आपको टाइप ए में से इसमें से किसी दूसरे में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आप जा सकते हैं। वैसे ही टाइप बी में अगर आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से पी पी बी में या मोलालिटी में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ए से बी में जाना हो या बी से ए में आना हो तो आपको डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, किसका डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। अगर ए से ए में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बी से बी में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए से बी या बी से ए में आना हो तो डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। बहुत सारी बुक में इनके कन्वर्जन का फार्मूला गिवन होता है, मैं बिल्कुल इसको मना करता हूँ बेटा, आपको कोई भी फार्मूला नहीं याद रखना, बस ये बेसिक फार्मूला ध्यान में रखना है। अगर मुझे इधर से इधर जाना तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे डेंसिटी दे करके, क्यों, क्योंकि आपको बेसिक फार्मूला मालूम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो हमें क्या चाहिए क्या गिवन है। राइट यूनिटरी मेथड का पूरा हम यूज करेंगे, इसलिए मैं कोई भी अदर फार्मूला कन्वर्जन का ना लिख रहा हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको याद भी नहीं रखना है, डायरेक्ट ये बेसिक जो कि बहुत ईजी है, राइट ये याद रखना है, इससे हम कन्वर्ट कर लेंगे, अभी हम अप्लीकेशन से आपको बताएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 1 में 300 ml ऑफ बोटल कंटेन 0.2 मोलर CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिजोल्व एट STP इन ml में बताना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये 0.2 मोलर का मतलब क्या हुआ कि 0.2 मोल है CO2 का इन 1 लीटर, डेट मीन्स 1000 ml में, पहले ये रीड करने आना चाहिए, राइट 1000 ml अगर लोगे तो उसमें 0.2 मोल है, लेकिन हमने लिया कितना है 300 ml, तो कितना मिली मोल्स हो जाएगा या मोल्स निकाल सकते हैं हम, तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, 300 को डिवाइड कर दिया मैंने 1000 से, क्यों किया, क्योंकि लीटर में आ गया, इनटू में 0.2, तो ये क्या हो गया मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से ये मोल्स आ गए, और एक मोल का वॉल्यूम ध्यान दो, एक मोल का वॉल्यूम है इतना लीटर, हमें ml में निकालना है, तो इतने मोल्स का कितना हो जाएगा, तो 22700 ml, राइट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, ये 10 एक जीरो से दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, और ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, राइट तो अब ये 3 to the 6 इंटू 227 आ गया, तो ये 1362 ml आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सम अमाउंट ऑफ CH2Cl2 इज एडेड इन इतना ml ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन टू प्रिपेयर इतना मोलारिटी एम कैपिटल एम है सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट्स पर मिलियन आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपको डेफिनेटली मोलारिटी से ppm में जाना है, तो डेंसिटी गिवन है, राइट इसलिए हमने बोला कन्वर्जन वाला कोई ध्यान नहीं रखना है। तो ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ से क्या निकल सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम आपको मालूम है कितना, ध्यान से देखो 671 और डेंसिटी कितना है 1.49, तो ये अप्रॉक्स में 1000 आ जाएगा, राइट
थाउजेंड, ध्यान रहे ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों है, वन सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो वन ml ही होता है, तो इतना ग्राम आ जाएगा। तो ये हमें मास आ चुका है सॉल्यूशन का, चूँकि हमें निकालना क्या है ppm, तो इसलिए ppm डिफाइंड कैसे था वो बताओ मेरे को। वेट मुझे सॉल्यूट का चाहिए, नीचे में मास या वेट सॉल्यूशन का चाहिए जो कि आ चुका है, इनटू में 10 की पावर 6 करना है, तो सिर्फ मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन दिया है कि इतना मोलारिटी है, वॉल्यूम भी मालूम है। तो यू नो अगर मैं 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मोलारिटी क्या होता है उसके मोल्स, अब कितना अमाउंट मान लिया x अमाउंट, तो x डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट 85, तो ये मोल्स हो गए, बाय वॉल्यूम कितना था 67 ml था, तो 0.67 लीटर हो जाएंगे। तो यहाँ से x ग्राम आ जाएगा, तो कैसे ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.6.67 राइट, और 85 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में टाइम लगाते हैं, ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो x कैसे निकालूंगा मैं, ये 2.6 को मैं 2.5 ले रहा हूँ, तो 25 बाई 10 लिख रहा हूँ, 0.67 को अगर मैं 0.70 लूँ तो 70 बाई 100 लिख रहा हूँ, 85 को मैं 90 ले रहा हूँ, और इंटू में 10 की पावर माइनस 3। तो ध्यान से देखो 1020 से ये गए 79 तक कितना हो गया 63, जिसको अप्रॉक्स में मैं 60 ले रहा हूँ राइट, तो ये 60 आ गया, तो एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल। तो ध्यान से देखो आप सिर्फ क्या हो जाएगा 25 इंटू 6 150, तो कितना हो गया ये 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इतना ग्राम हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाई ये 1000 था, और पार्ट्स करेंगे तो 10 की पावर 6, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 150 के आसपास वाला आंसर होना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे करना आपको बेटा अप्रॉक्स कैलकुलेशन, क्योंकि ऑप्शन गिवन है तो वो आपका कैलकुलेशन नहीं चेक करना चाह रहा है, जस्ट वो आपका माइंड को चेकअप करना चाह रहा है कि आप कैसे अप्रोच करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में मास रेशियो ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू मेकिंग 500 ग्राम 0.25 मोलर, ध्यान दें मोलर है स्मॉल m, एंड 250 ml ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन राइट। तो एक बार मोलारिटी की बात हुई है, एक बार मोलालिटी की बात हुई है, मोलारिटी में 0.25 मतलब 1/4 बनाना है, मोल्स हमें निकालना पड़ेगा, तो मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो वही वेट राइट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 62, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ध्यान से देखो तो 250/1000 आपको करना पड़ेगा, तो ये भी 1/4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे वेट जो हो जाएगा वो 1/16 राइट इनटू में 62 रहेगा, वैसे ये कैंसिल ही हो जाएंगे, और इधर मोलालिटी निकालूंगा तो मोलालिटी कितना चाहिए था, वो भी उसको 0.25 चाहिए मतलब 1/4, मोल्स निकालना अगेन W डैश कर लेता हूँ, वही वेट का रेशो निकालना हमें, बाई ये भी 62 रहेंगे, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट और वो भी केजी में चाहिए ग्राम में, तो ये डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से W डैश क्या हो जाएगा 1/4 इंटू राइट, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 इंटू 62, तो ध्यान से देखो 62 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/8 है, ये 1/16 है, तो इसलिए मास रेशियो क्या हो जाएगा, पहले ध्यान रहे मोलर है स्मॉल m, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो 2:1 रेशियो में, क्योंकि 1/8 है ये 1/16 है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ यूनिट्स विच यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो यू नो मास परसेंटेज था राइट, मोल सिर्फ नहीं हो सकता क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे, ऊपर में सॉल्यूट था नीचे में सॉल्यूशन था या सॉल्वेंट था, तो सिर्फ मोल्स नहीं होंगे, मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे राइट, वैसे ही मोलारिटी ppm मोलारिटी ऐसा हो जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा इंटीजर टाइप में 5, इस टाइप के क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 80 ग्राम कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इज डिजॉल्व इन 5 लीटर वाटर मोलारिटी कैपिटल m, तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय इस पूरे का आप निकालोगे मॉलिकुलर वेट तो हो जाएगा 250, तो ये मोल्स हो गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर तो ऑलरेडी गिवन है, तो डेट इज 5 राइट, तो ये ध्यान से देखो तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 8/125 हो जाएंगे, हमें आंसर 10 की पावर माइनस 3 में लाना है, तो हमें 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा राइट, तो ये तो 10 की पावर माइनस 3 इसमें आ जाएंगे, ये
8 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो हमारा x कितना हो जाएगा 64। इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6 में सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव NOH, 20 ग्राम सोडियम ऑक्साइड डिजोल्व है 500 ml वाटर में, तो कंसंट्रेशन क्या होगा। तो पहले तो सोडियम ऑक्साइड अगर आपका रिएक्ट करेगा वाटर से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस करना है, दो सोडियम है तो यहाँ 2 लगा दो, 2 Na, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसका आपने कितना लिया है 20 ग्राम, तो 20 बाई इसका मैं डिवाइड कर दूं मोल से, तो इसका इसके 1 मोल से इसका कितना मोल्स मिल रहा है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 बाई 62, डैट इज 40/62 मोल्स हैं इसके। हमें कंसंट्रेशन एनर्ज का निकालना है, तो मोल्स मालूम हो गया है, तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, 40/62 ये मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लेना लीटर में, 500 ml है तो 500/1000 लीटर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 80/62। ध्यान दें तो 62 को मैं अप्रॉक्स में 80/60 लिख रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1.3 के आसपास आ जाएगा। हमें आंसर कैसे देना है x इंटू 10 की पावर माइनस 1 में, तो वो कितना हो जाएगा 13 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो x कितना आ जाएगा आपका 13। तो इस तरीके से आपको करना विदाउट कैलकुलेशन। 7 में कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू यू, मोलारिटी बताना है। तो ध्यान से देखो ये ग्राम पर लीटर में, मोलारिटी क्या होता है मोल्स पर लीटर में, तो सिर्फ ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ध्यान से देखो, तो एक तरीके से ये स्ट्रेंथ हो गया राइट, तो आपको क्या करना है 0.72 को डिवाइड कर देना है इसके मॉलिकुलर वेट, 180 मोल्स पर लीटर हो गया ये राइट, तो बस इतना करना है। इसको आप निकाल दो तो नीचे 100 आ जाएंगे, तो ये 18 तो ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होगा, तो x यहाँ से कितना आ गया कंपेयर करोगे तो 4। तो इस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का गिवन है मोलालिटी स्मॉल m, तो मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का 0.8 है तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट का 0.8 है तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा आपका 0.2। बट ध्यान दो, अब मैं कन्वर्जन आपको नहीं बताया हूँ, यहीं पे ध्यान से समझो, मोलालिटी मतलब क्या हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट राइट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ चुके हैं हमें पास 0.2, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, तो इसलिए स्मॉल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे उसका मोल्स मालूम है 0.8, सॉल्वेंट कौन है वाटर, तो उसके मोल्स ये, और ध्यान रहे केजी में, ये ग्राम में आएगा तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो तो ये 0.2 ऊपर 1000 चले जाएंगे, नीचे में 0.8 इंटू में 18, तो ध्यान से देखो ये कैंसिल हो गए 2 से 24 राइट। अब इसको भी मैं 18 को मैं कितना ले रहा हूँ 20, इसको अप्रॉक्स में अगर मैं 20 लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे राइट, और ये ध्यान से देखो तो 25 और ये फिर 12 के आसपास मतलब ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डैट इज़ कॉल्ड डायल्यूशन फार्मूला। बच्चे इसको रटते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें, कि ध्यान से देखो कोई पहले से आपके पास एक सॉल्यूशन था जिसका मोलारिटी वॉल्यूम या नॉर्मालिटी वॉल्यूम या मोलालिटी वॉल्यूम गिवन होगा, और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करो सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट ऐड करने से यहाँ तक के प्रोसेस में क्या सॉल्यूट के मोल्स पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, मोल्स अब यहाँ जितना था वहीं इतना भी रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है, तो इसलिए मोलारिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा ये मोल्स हो जाएंगे राइट, एट कंडीशन 1 शुड बी इक्वल टू मोल्स एट कंडीशन 2 राइट, क्योंकि मोल्स में कोई चिन्ह होगा सॉल्यूट के, किसके सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के तो होंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पे ऐड कर रहे हो, तो बस वही फॉर्मूला है ये, तो इसलिए m1 v1 इक्वल टू m2 v2 कर देते हैं। इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे 5 ग्राम NOH डिजॉल्व इन 450 ml वाटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml 0.1 मोलर, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन में निकाल लो, तो इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 5 ग्राम है बाय 40 NOH मोल्स बाय वॉल्यूम कितना था 450 लीटर में ले जाओगे तो बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 5/40 इंटू 450 ऊपर में हो जाएंगे 1000, तो ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये 5×9=45, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखो 10/36, ये आपका आ गया। नाउ इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया जाए सो डैट ये मिले, तो वही कर दो 10/36 वॉल्यूम हमें नहीं मालूम, वॉल्यूम अगर ml में निकालना है तो इधर भी ml में रख सकते हो 0.1 इंटू
500 ml है, राइट। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा आपको, तो ये 0.1 का आप क्या कर सकते हो 10। तो ध्यान से देखो V कितना हो गया 500 × 36, राइट। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे में, ये 10 और ये 10, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया ये 180 ml। डैट मीन्स इस सॉल्यूशन का 180 ml चाहिए, सो डैट हमें ये वाला कंसंट्रेशन और वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बेटा हमने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उससे रिलेटेड बातें कर ली हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें यूज होने वाली हैं। अगर डायरेक्ट वो वैल्यू दे दिया तो बहुत ईजी हो जाता है, अदरवाइज आपको पहले वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो और बहुत कम कैलकुलेशन करके भी। तो ध्यान से समझो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक दूसरा नाम हमने रखा है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। जो सॉल्यूट पार्टिकल आप ऐड कर रहे हो उसके कितने नंबर्स हैं, कितने आयंस हो जाते हैं ऐड करने के बाद, उस पे डिपेंड करता है। जैसे डेमोक्रेसी में वोटिंग इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने आदमी ने वोट किया, वो आदमी बड़ा है छोटा है अमीर है गरीब है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, वो पार्टिकल कौन है, सोडियम है पोटेशियम है क्लोराइड आयन है सल्फेट है, डजंट मैटर। बात समझ में आ गई। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे तो उसको बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये टोटल 4 हैं। बट इस वीडियो लेक्चर में अभी मैं 2 को ही डिस्कस करूँगा। ओके, नाउ यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो सॉल्यूट आप ऐड करोगे, जो सॉल्यूट ऐड करते हो वो एक्चुअली सॉलिड स्टेट में होता है ऐड करने से पहले। ऐड करने के बाद आपको मालूम है वही फेज हो जाएगा उसका जो सॉल्वेंट का होता है। तो सॉल्वेंट का फेज हमारा यहाँ पे लिक्विड है, इसलिए फाइनली वो सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नाउ कंसेप्चुअल फीलिंग, वेरी वेरी सिंपल है ये कि देखो मैंने एक सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ किया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है, वही वाटर जो हम पीते हैं, राइट। तो ये वाटर है आपका, तो आपको मालूम है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा प्योर वाटर का, जब वाटर में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, राइट, तो वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सबको याद रहता है, आपको याद रखना है। दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, या केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होता है। तो ये हो गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ये नॉट लगाने का मतलब क्या है, प्योर। प्योर का मतलब क्या हो गया कि आपने अभी उस सॉल्वेंट में कुछ भी ऐड नहीं किया, अदर कोई सॉल्वेंट होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दे देगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही टी नॉट एफ कहीं पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, FP बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, राइट। अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट हो जाएंगे। नॉट जहाँ पे लगा मतलब प्योर, उसमें कुछ ऐड नहीं किया है। वाटर के केस में आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन, ये आपको याद रखना है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए उसका ये दोनों चीज़ याद रखना है। एक पॉइंट का और ध्यान रखना है, कोई भी लिक्विड, ध्यान दे एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड तभी बॉयल होता है जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाता है, और सराउंडिंग जनरली हमारा एटमॉस्फेयर होता है, राइट। तो जब सराउंडिंग का प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तभी वो लिक्विड बॉयल होता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, राइट। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्योर वाटर था इसमें मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया है, ये जो रेड कलर है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा सॉल्यूशन का, उसको मैं TV से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ गए तब ये सॉल्यूशन हो गया। तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को TV से, और डेफिनेटली ये जो TV है बॉइलिंग पॉइंट, ये प्योर जो सॉल्वेंट होंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, इसलिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, डैट इज एलिवेशन, क्योंकि ज़्यादा हो गया, एलिवेट मतलब हाई, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हो, डैट इज डेल्टा TV। और ये कैसे डिफाइंड होगा, तो क्लियरली है चूँकि ये बड़ा है तो TB - T0B, राइट। और चूंकि ये चेंजेज है तो चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो या केल्विन में, दोनों सेम आएंगे। तो ध्यान दे ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है,
ध्यान रहे सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ये डेल्टा टी बी, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, सिर्फ टी बी या टी नॉट बी की बात हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ गए? तो ओनली बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले लिया, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, और ये आपको दो कर्व ड्रॉ कर देगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूशन है। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस 180 वाली, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होंगे और वो जहाँ जहाँ पे कर्व को कट करेगा। वी नो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है इसलिए ज़्यादा वाला टेम्परेचर सॉल्यूशन को बताएगा, इसलिए ये कर्व सॉल्यूशन का हो गया और पहला वाला कर्व सॉल्वेंट का, तो आइडेंटिफाई करवा सकता है आपको, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर वाटर में आपने या किसी सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, यहाँ पे ब्लू कलर वाले सॉल्यूट हैं, तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हो गए, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होगा वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, इसलिए वर्ड हम यूज करेंगे डिप्रेशन, राइट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। और वो कैसे डिफाइन करोगे, तो चूंकि कम हो गया इसलिए डेल्टा टी एफ कैसे डिफाइंड होगा, प्योर माइनस जो सॉल्यूशन का होगा, राइट, ताकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाए, और अगेन चेंज इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम रहेगा। तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, अगेन ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टी एफ इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ टी एफ या टी नॉट एफ या फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगेन इसके ग्राफ की बात करें तो वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे लेंगे, ये इस तरीके से कर्व होगा। तो ये जो ब्लैक कलर वाले हैं वो लिक्विड सॉल्वेंट का है, और एक हम सॉल्यूट सॉल्वेंट का कर्व ड्रॉ करेंगे। डेफिनेटली वी नो टी नॉट एफ जो होगा वो बड़ा होगा, राइट, इसलिए वो एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ आएगा। तो ये जहाँ पे कर्व को कट करेगा ये आपका सॉल्वेंट का हो गया, और इधर वाला ये वाला कर्व जो हो जाएगा वो सॉल्यूशन का हो गया। टी एफ इसमें पीछे रहेगा, टी नॉट एफ आगे रहेगा, जबकि इसमें टी नॉट भी पीछे रहेंगे, टी भी आगे रहेगा। तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल फीलिंग बिल्कुल क्लियर है बेटा आपको, कि वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, राइट। नाउ एक वर्ड होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल, तो ये क्या है, वेरी सिंपल, एक आई हम डिफाइन करते हैं, डैट इज एबनॉर्मल बाय नॉर्मल। कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, उसके लिए सिंपल है, आई जो है वो अल्फ़ाबेट का वोवेल है, उसके आगे एन वर्ड लगाते हैं, राइट, इसलिए एन वर्ड से अदर कहेंगे एबनॉर्मल बाय नॉर्मल। तो इसलिए यहाँ से जो आप ध्यान से देखो, एबनॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, सब में आपको नॉर्मल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगे वो बता कर करके एबनॉर्मल निकालना होगा, तो सिर्फ क्या करना, उसको आई से मल्टीप्लाई कर देना, और इस आई का नाम है वांट ऑफ फैक्टर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, राइट। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नाउ कंसेप्चुअल ट्रिक, तो राइट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी से डिफाइन किए थे, ये हो जाएगा आई वांट ऑफ फैक्टर इंटू के बी, एक कांस्टेंट है, इंटू मोलालिटी, और डेल्टा टी बी क्या था, टी बी माइनस टी नॉट बी। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, टी नॉट बी तो फिक्स हो गया, राइट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये फिक्स हो गया। तो हम मैं कह सकता हूँ अगर डेल्टा टी बी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये तभी हो सकता है जब टी बी इंक्रीज हो, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये बढ़ेगा तभी डेल्टा टी बी इंक्रीज होंगे। तो एक पॉइंट तो ये है, राइट, और ये कब बढ़ सकता है, ध्यान से देखो, डेल्टा टी बी कब बढ़ सकता है, चूँकि के बी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए फिक्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, आई और एम पे डिपेंड करेगा। तो जब आई इंटू एम की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर मोलालिटी को भी सेम कर दिया क्वेश्चन में, तो फिर जिसका आई ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी बी ज़्यादा होगा, डैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा इस टाइप से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो के बी है वो सॉल्वेंट का एक कांस्टेंट है, वाटर के केस में आपको याद रखना है 0.52 केल्विन केजी पर मोल यूनिट हो गया। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0.5 ले सकते हैं हम, या हाफ ले सकते हैं, राइट। ये के बी इंटू एम अगर मैं करता तो ये डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, तो ये नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होता, और आई से मल्टीप्लाई कर दिया तभी बताया था ये एबनॉर्मल में आ जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे के बी निकालने के और एक तरीके हैं, सिर्फ ये फार्मूला ध्यान में रखना, इस पर बेस कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा, जस्ट वेरिएशन वाले पूछे जा सकते हैं। जैसे के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखो तो जो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है
उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है उसके इन्वर्सली है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान में रखना है किसके डायरेक्टली और किसके इन्वर्सली पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो के बी है उसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं, उसी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ध्यान रहे ये जो डेल्टा टी बी है वही हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली होगा। कैसे? क्योंकि मोलालिटी है, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट नीचे आएगा इसीलिए। तो कहीं पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूट का मोलर मास है वो कम होगा। तो ये एक पार्ट हो गया आपका, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब वाटर में या किसी सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। वी नो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए नाम आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सब कुछ सेम रहेगा बेटा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे किया डेल्टा टी एफ I into KF into M। तो देखो I सेम ही है, M सेम है, KB की जगह KF, B for boiling और F for freezing है यहाँ पे। ये कैसे डिफाइंड होता है, चूँकि डिप्रेशन हो गया है तो प्योर में से माइनस करना पड़ेगा सॉल्यूशन का टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना, अगर डेल्टा टी एफ इंक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये कब हो सकता है, ध्यान से देखो, ये तो आपका फिक्स हो गया तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, और चूंकि माइनस है तो ये जब कम होगा तभी ये डिफरेंस बढ़ेगा, इसलिए डेल्टा टी एफ तब इंक्रीज होंगे जब टी एफ कम होगा। डैट मीन्स आई इंटू एम को कम होना पड़ेगा अगर दोनों वेरी कर रहा है तो, अगर मोलालिटी फिक्स कर दिया तो आई को कम होना पड़ेगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर को। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के एफ की वैल्यू वाटर के केस में आपको ध्यान रखना है 1.86 होता है, जिसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रॉक्स 9/5 या 2 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑप्शन कैसे हैं। तो ये ध्यान रखना है, अदर सॉल्वेंट का आपको गिवन होगा, वाटर के केस में ध्यान रखना है, कभी कभी वाटर का भी दे देता है। ओके अगेन सेम के एफ सब कुछ यही रहेगा, आर टी नॉट बी की जगह टी नॉट एफ हो जाएंगे, ये सेम रहेंगे, ये 1000 सेम, सिर्फ यहाँ पे वेपोराइजेशन बॉइलिंग था तो यहाँ पे फ्यूज़न आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेंगे। नेम इसके मोलल फ्रीजिंग या डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान रहे इसको इबिलियोस्कोपिक, इससे भी आपको पहचानवा सकते हैं कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला है, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली चलेंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ ये जो जितना आई हमने मल्टीप्लाई किया एबनॉर्मल वाला, जिसको वॉन्ट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, तो आई क्या होता है 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, इससे निकाल सकते हैं। बट ये फार्मूला कब लगाना, जब डिसोसिएशन हो, और 99% क्वेश्चन में डिसोसिएशन ही होता है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ आयंस या पार्टिकल वाटर में उस सॉल्यूट को ऐड करोगे तो वो कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो वो n है, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, राइट। अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे 1 + 1/n-1 इंटू अल्फ़ा, अगेन n के कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। जैसे यू नो एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में रखते हैं तो उसके दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर NaCl हो तो Na+Cl- में ब्रेक होंगे, आयन दो होंगे तो इनकी जगह 2, K2SO4 हो तो 2 पोटेशियम 1 सल्फेट है तो इनकी जगह 3, तो ये नंबर ऑफ आयंस है। रही बात अल्फ़ा की, तो यूरिया हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, जितने भी शुगर हैं और यूरिया, उसका आई फिक्स है 1 है, ओके, डैट मीन्स अल्फ़ा 0 है। दूसरे केस में अल्फ़ा सॉल्ट का या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का 1 होगा, अनलेस क्वेश्चन में कुछ मेंशन करे, आपको मानना है कि इसका 1 हो जाएगा अल्फ़ा, राइट। ध्यान रहे अल्फ़ा 1 होगा, और वीक एसिड या वीक बेस या जो भी वीक सॉल्ट होंगे तो उसका अल्फ़ा आइदर गिवन होगा या आपको बोला जाएगा फाइंड आउट करने को, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आई 1 कहीं पे ले रहे हो तो वो नॉर्मल हो गया, और अगर आई 1 नहीं है तो एब नॉर्मल होगा, इसलिए हमने आई लगा दिया सब में, हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जितना भी है सबका आई 1 पुट कर देना है, डैट मीन्स अल्फ़ा 0 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट का जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करे अल्फ़ा 1 हो जाएगा, अल्फ़ा 1 होगा, ध्यान रहे, तो इसलिए आई एन के बराबर ही हो जाएगा। और अगर वीक एसिड, वीक बेस होंगे तो उनका आपको आई निकालने के लिए अल्फ़ा गिवन होगा या फिर पूछा जाएगा आई दे करके। तो ये है पूरा आपको एक क्लियर। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में विच विल शो, और इस तरीके से चार ऑप्शन गिवन होगा आपको, 0.1 मोलर NaCl है, 0.3 मोलर ग्लाइसिन है, 0.2 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट है, 0.1 मोलर K4Fe3N6 है,
और ये डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए मैंने पूरे टाइप को यहाँ पे कवर किया है। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो यहाँ पे ध्यान देना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूरा लिख दिया, मतलब आपसे डेल्टा टीएफ की बात कर रहा है, और ये डायरेक्टिव पोर्शन किसका होगा, आई और एम के। आई और एम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोलालिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबका मोलालिटी डिफरेंट है और आई तो आपको लेना ही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले वाले में कितना हो जाएगा, 0.1 × 2, क्योंकि NaCl है, दो आयंस मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लाइसिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनका 1 लोगे तो ये सिर्फ 0.3 × 1 रहेगा, इसका आप लेंगे तो 0.2 × 2, दो एल्युमिनियम और 3 सल्फेट तो 5 करना पड़ेगा, और इसका 0.1 × 2, ध्यान दें ये 4 पोटेशियम और ये पूरा एज ए होल ब्रेक होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, तो 4 और 1 5 हो गए तो ये हो जाएंगे। तो लार्जेस्ट किसका होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा I into M, I into M सबसे ज़्यादा किसका, देखो ये 0.2 आ गया, बाय द वे एक बार लिख लो, ये 0.3 हो गया आपका, ये 1 हो गया आपका, और ये 0.5 हो गया, तो सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, C का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका I into M कम होगा, तो सबसे कम किसका, ध्यान से देखो तो ए का है, क्यों, क्योंकि डेल्टा टीएफ जो वो डिफाइंड हुआ था T0F - TF, तो ये तो फिक्स था, ये जितना कम होगा डेल्टा टीएफ उतना ज़्यादा होगा, इसलिए लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होने के लिए, ये ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा टीएफ को कम होना पड़ेगा, राइट, तो इसलिए इन्वर्सली चलेंगे तो ये वाला आएगा। बट अगर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वहीं पे पूछा जाए या लार्जेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो वो डायरेक्टली थे, इसलिए I into M सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो किसका है, अगेन ऑप्शन सी हो जाएंगे। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम किसका होगा, जिसका I into M सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर सी। ध्यान देना फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली चलते हैं, राइट, और लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा तो I into M कम वाला, I into M सबसे कम किस में है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। लार्जेस्ट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये अगेन पूरा पूछ दिया, वैसे भी ये डायरेक्टली होते हैं, तो लार्जेस्ट किसका हो जाएगा, सी, या फिर आपको ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो बस ये ध्यान रखना है जो अभी आपको समझाया है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान देना है, जो डेल्टा टीएफ है या फिर डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I into M है, बस जो टीएफ है वो इन्वर्सली है I into M के, जबकि आपका जो टीबी है वो डायरेक्टली है I into M के, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि वो डिप्रेशन इन पूछ रहा है या सिर्फ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे गए और पूछे जाते हैं, और करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो इसलिए हमने सबको एक जगह समझाने की कोशिश की है। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज गिवन टू यू 0.3, देन ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट विल बी परसेंटेज हायर देन द एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे ध्यान देना है, DOD आपको गिवन है, डेट मीन्स अल्फा आपको गिवन है 0.3, वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो मोनोबेसिक मतलब एक ही H प्लस दे पाएंगे वो, तो ये कैसे ब्रेक होंगे, H प्लस और A माइनस में, तो N की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 2। हमारे लिए फॉर्मूला क्या था, I = 1 + N - 1 × अल्फा, तो यहाँ से देखो 1 + N हो गया 2 - 1, अल्फा हो गया 0.3, तो ये आ गया 1.3, तो I 1.3 का मतलब क्या हो गया, I क्या था, बताया था एबनॉर्मल बाय नॉर्मल था, राइट, एबनॉर्मल बाय नॉर्मल, तो कितना परसेंटेज ज़्यादा हो गया, तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, ये 0.3 ज़्यादा मतलब 30%, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, लेड स्टोरेज बैटरी कंटेंट 38% बाई वेट ऑफ H2SO4, आई गिवन था, TF फ्रीजिंग पॉइंट बताना था, KF गिवन था, और ऑप्शन है आपके पास, तो ध्यान से देखो, अगर हमें फार्मूला की बात करें तो डेल्टा TF I into KF into M, राइट, डेल्टा TF हमें निकालना है, आई गिवन था 2.67, KF भी गिवन था 1.8, ओनली थिंग इज मोलालिटी आपको बताया था, अब मोलालिटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 38% बाई वेट, इसका क्या मतलब है, 38% वेट बाई वेट, राइट, इसका मतलब क्या हो गया, परसेंट मतलब कि 100 ग्राम अगर आपने सॉल्यूशन का लिया तो उसमें 38 ग्राम आपका सॉल्यूट है, तो इसका मतलब 62 ग्राम कौन हो जाएंगे, सॉल्वेंट। अब हमें मोलालिटी स्मॉल m निकालना है, तो ये कैसे निकालते हैं, तो 38/98 H2SO4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए, ग्राम में, तो 62/1000,
अब इसको देखो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 38 को 40 ले सकते हो, 98 को 100 ले सकते हो, डिवाइडेड बाय 62 को 60 और ये 1000, तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा यहाँ पे 6। कैसे, ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, राइट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये भी जीरो से ये जीरो कैंसिल, 40 बाई 60 तो 6.6 समथिंग आएगा, मैं 6 लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको मोलालिटी पुट कर देना, तो ध्यान से देखो इनटू ये 6 पॉइंट समथिंग है, अप्रॉक्स मैं 6 ले रहा हूँ, ध्यान से देखो तो ये 2.5 और इसको 2 ले सकते हैं, ये 2.5 और ये 2, राइट, तो ये कितना हो गया 5 और ये 6, तो ये 30 आ गया, राइट, तो ये अप्रॉक्स में 30 हो गए। तो आप डेल्टा टीएफ क्या होता है आपको ये भी मालूम है, टी नॉट एफ डेट इज़ 273 माइनस टीएफ इज इक्वल टू कितना है 30, तो इधर लाओगे तो टीएफ कितना आ जाएगा अप्रॉक्स में 243, तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे ए। तो देखो कैसे मैं कैलकुलेशन को मिनिमाइज किया हूँ, इस बात को ध्यान में रखना, ऐसे आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा टी भी 4 केल्विन है, अगर मोलालिटी 1.5 है, डेल्टा टी एफ 4 केल्विन है, मोलालिटी 4.5 है, ये वर्ड प्रॉब्लम था, मैंने जस्ट जो गिवन है वो लिखा है। रेशियो ऑफ के बी बाई के एफ निकालना है, ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो ग्लूकोज सोल्यूशन बोलते ही आई कितना हो गया 1, तो अगर मैं डेल्टा टी बी लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा आई 1 हो जाएगा बाय द वे के बी इंटू एम, डैट इज़ नथिंग बट के बी इंटू एम, क्योंकि आई 1 हो गया। डेल्टा टी एफ अगर मैं लिखूँ तो ये आई इंटू के एफ इंटू एम होता, आई इसका भी 1, तो ये हो जाता के एफ इंटू एम। हमें रेशियो निकालना है के बी बाई के एफ का, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो डेल्टा टी बी बाई डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा के बी बाई के एफ, और उसकी मोलालिटी एम, राइट, डिवाइडेड बाई, इसको मैं एम डैश कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये ध्यान से देखो, ये दोनों 4-4 था, तो ये 1 ही हो गया, ये के बी बाई के एफ और ये एम जो था आपका वो ध्यान से देखो तो 1.5 था और ये 4.5, इनका रेशियो चाहिए तो इधर जाएंगे, तो इसीलिए के बी बाई के एफ कितना हो जाएगा 4.5 बाई 1.5 डेट इज़ 3। तो इस टाइप के इंटीजर टाइप में पूछे गए, वेरी सिंपल है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि ध्यान से देखो, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, यही है बेटा फार्मूला, तो बस यही है। अब इसमें सारी वैल्यू दे करके कोई एक अननोन क्या जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार डेल्टा टी बी पूछा जाए, आपको डेल्टा टी बी के बी एम दे करके आई पूछा जा सकता है, या फिर आई के बी दे करके एम पूछा जा सकता है, एंड सो ऑन, डिफरेंट वे हो सकते हैं, बट फार्मूला बार बार यही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सॉल्वेंट एक्स एंड वाई हैविंग सेम मॉलिकुलर वेट, ध्यान दें मॉलिकुलर वेट सेम है, आर इन द रेशियो 2:1, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1:2 रेशियो में, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट एक्स और वाई का कैसे रिलेटेड होगा। तो जो फार्मूला था हमारे पास, के बी इज इक्वल टू क्या था, आर टी नॉट बी का स्क्वायर मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो आर के बारे में तो कैंसिल ही हो जाएगा, सॉल्वेंट का मॉलिकुलर वेट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, 1000 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टी नॉट बी के स्क्वायर के डायरेक्टली है और इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के इन्वर्सली है, तो इसलिए के बी ऑफ अगर एक्स लिखूँ तो वो ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और डेल्टा एच वेपोराइजेशन 1 है तो ये 1 हो जाएंगे, और के बी डिवाइडेड बाई के बी ऑफ वाई लिखें तो राइट वो क्या हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और वो 2 ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ y, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ए इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी, तो रिलेशन क्या होगा, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रहा है, डेल्टा टी बी क्या था आई इंटू के बी इंटू एम, राइट, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो आई 1 ही हो जाएगा, के बी सेम सॉल्वेंट होंगे तो सेम हो जाएगा, सिर्फ एम पे डिपेंड करेगा। अब हमें मोलालिटी निकालना है, ये 2% बताया नहीं कि ये परसेंटेज बाय वेट है या वॉल्यूम है, तो ऐसे कंडीशन में हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, चूंकि हमें मोलालिटी चाहिए तो हम इसको मानेंगे कि ये जो 2% है वो बाय वेट है, डैट मीन्स क्या हो गया कि 2 ग्राम सॉल्यूट का है तो 98 ग्राम कौन हो जाएंगे सॉल्वेंट,
तो ये दोनों चीज़ इक्वल कब हो सकती हैं? जब ये 2 बाय मॉलिकुलर मास ऑफ ए, तो ये मोल्स बाय वो 98 बाय 1000, दोनों में सेम ही रहेगा बाय द वे, कैंसिल हो जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू वहाँ 8 बाय एमबी, और ये तो सेम ही रहेंगे 98 बाय 1000, राइट। तभी दोनों सेम हो सकते हैं क्योंकि इक्वल बोल रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, ध्यान से देखो, इसका 2 ग्राम इसके 8 ग्राम से इक्वल है, इसका मतलब इसके मॉलिकुलर वेट को ज़्यादा होना पड़ेगा, ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तभी कम होगा, क्योंकि इसका कम ही इसके ज़्यादा से इक्वल हो रहा है। तो एम बी ग्रेटर होना चाहिए, तो एम बी ग्रेटर होना चाहिए, तो एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ये थे, और यहाँ से दिख रहा है ये 2-4 टर्म्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसमें बेटा हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया। इससे बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, आप सारे प्रॉब्लम को कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो मोलारिटी होता है वही अप्रॉक्स मोलारिटी होता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हेलो एवरीवन, कैसा काय? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत कम कैलकुलेशन करके और बहुत इजी वे में कर लोगे। तो ध्यान रहे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रेशर के आगे ऑस्मोटिक वर्ड लगाना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो देखो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, पी वी इजकल टू एन आर टी, ये सभी लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। पी वी को मैंने इधर ले आया, तो एन वाई वी आर टी, मोल्स वाई वॉल्यूम क्या हो गया, कंसंट्रेशन, या उसी को बोल सकते हैं मोलारिटी। तो पी इज इक्वल टू सी आर टी या पी इजकल टू एम आर टी, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। यहाँ पे जो P है प्रेशर, उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, राइट। पाई इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सेम ही बात है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो पाई इज इक्वल टू या P इज इक्वल टू सी आर टी, याद रखने के लिए यू नो पाई क्या होता है, 22, सी आर टी कैरेट, 22 कैरेट का सोना होता है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, जस्ट पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये तो हो गया नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। जहाँ पे R की जो वैल्यू आपको लेना है वो 0.08, जिसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1/12 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर किस में होगा, ATM में, राइट, और वॉल्यूम लीटर में, क्योंकि कंसंट्रेशन की बात है, इसलिए R की वैल्यू फिक्स हो गया, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में। एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, तो आपको बता रखा हूँ, सिर्फ वॉन्ट ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई कर देना, तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी हो जाएगा। जहाँ I कैसे निकलता है, 1 + n - 1 × α, n क्या है कि कितने पार्ट में वो गिवन सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ है, नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, राइट। इसके बारे में भी आपको बता रखा हूँ कि यूरिया या जितने भी शुगर हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, उन सब का I 1 हो जाएगा, फिक्स है, दैट मीन्स अल्फा 0 हो जाएंगे। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट हैं, उसका आई जो है वो नंबर ऑफ आयंस के बराबर ही हो जाएगा, डैट मीन्स अल्फा 1 हो जाएगा, अनलेस के क्वेश्चन में कुछ मेंशन हो, राइट। और वीक वाले एसिड या वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा आपको दे देगा, तो आई निकाल लेंगे, या आई गिवन होगा तो अल्फा निकाल लेंगे, वाइस वर्सा क्वेश्चन दिया जा सकता है। यहीं से एक और पॉइंट आप देख सकते हो कि अगर टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया तो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट, आर ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सिर्फ वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन के डायरेक्टली पोर्शनल होगा, डैट मीन्स आई इंटू सी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली होगा। इनफैक्ट सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली रिलेटेड है, राइट। तो ये एक पार्ट हो गया जो आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज करता है, एक वर्ड यूज करता है आइसोटोनिक। इसका क्या मतलब, वेरी सिंपल, जब आपके पास दो सॉल्यूशन हो यहाँ पे जैसे S1 और S2, और अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इस सॉल्यूशन का, तो बोलेंगे आइसोटोनिक, इसलिए π1 = π2 लगाना है। और अगर इसी में अगर टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो देख सकते हो RT कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर I1C1 = I2C2 लगा सकते हैं। अगर IV सेम हो गया तो फिर हम क्या कह सकते हैं, C1 = C2। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसा करने को आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर मान लेता हूँ कि सॉल्यूशन 1 का प्रेशर ज़्यादा है 2 से, तो 1 वाले को बोलेंगे हाइपरटोनिक और 2 वाले को बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब ही होता है लेस और हाइपर मतलब होता है मोर, यू ऑलरेडी नो। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अब हम इस पे बेस प्रॉब्लम की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर वन में 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब आई इसका कितना हो गया 1 राइट, डिजोल्व इन 1000 ml मतलब 1 लीटर ही हो गया वाटर, एग्जैक्ट सेम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है 0.05 मोलर ग्लूकोज है तो इसका भी आई आपका कितना हो गया 1 राइट, एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको गिवन है मॉलिकुलर मास, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट का निकालने में होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो सेम प्रेशर है, डैट मीन्स पाई वन इजकल टू पाई टू लगा सकते हो, आई वन सी वन आर टी इज इक्वल टू आई टू सी टू आर टी कर सकते हैं राइट, चूँकि ध्यान से देखो सेम टेम्परेचर टी टी कैंसल आर आर दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका भी आई वन ग्लूकोज का भी तो ये भी सेम हो जाएंगे, तो सिर्फ सी वन इजकल टू सी टू, सी वन कैसे निकालेंगे 12 ग्राम बाय मोलर मास राइट, एम यहाँ पे मोलर मास है और डिवाइडेड बाय 1000 ml है मतलब 1 लीटर ही हो गया, तो ये हो गया कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इधर कितना 0.05, तो मोलर मास यहाँ से कितना आ गया 12 बाय 0.05, इसका ये डेसिमल हटा होगा तो ऊपर में 100 तो ये आपका 20 से तो ये कितना आ जाएगा 240, तो आंसर विल बी 240, तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर टू में अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इतना मोलर K2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक डेट मीन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर विथ इतना मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K2SO4 का बताना है, तो अगेन आइसोटोनिक है सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, तो ध्यान रहे इसका जो I1 होगा वो आपको लेना पड़ेगा राइट, C1 0.004 राइट, आइसोटोनिक है टेम्परेचर की बात नहीं किया तो मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम लेना है, तो RT कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू ग्लूकोज है तो उसका I1 हो जाएगा और ये 0.01, तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो I1 कितना हो जाएगा, इसका हटाओगे तो ये 1000 रहेंगे और इसका 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल 10/4 तो कितना आ जाएगा 2.5, आई की वैल्यू क्या था 1 + n-1 × α, तो आई आपको 2.5 है, 1 + n कितना हो जाएगा K2SO4 कैसे ब्रेक होंगे, दो पोटेशियम और एक सल्फेट, टोटल यहां से n कितना मिलने वाला आयंस 3, तो 3 - 1 कितना हो गया 2α, तो यहां से अल्फा निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये देखो 1.5/2 दैट इज 0.75, परसेंटेज में बात करेंगे तो 75%, तो इंटीजर टाइप में ये 75 आंसर आ जाएगा, तो इस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंट, आपको पूछने का तरीका होगा कंसेप्ट सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर बताना विच इज आइसोटोनिक, तो अगेन आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आई इंटू सी को इक्वल करना है, तो पहले वाले में आई इंटू सी अगर करेंगे तो आई NaCl का 2 हो जाएगा, एक सोडियम एक क्लोराइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 2 × 1 तो इसका कितना हो जाएगा 2, और इधर में ऑलरेडी ये 2 यूरिया का बोल दिया 1 ही लेना है तो ये भी 2 तो राइट, तो सेम हो जाएगा ए में, हमें इंटीजर टर्म में बताना है, और चेक करते हैं 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन तो ये 1 × 3 हो जाएगा इसका राइट, आई इंटू सी इसका 1.5 × 2 राइट, क्यों, क्योंकि एक पोटेशियम एक क्लोरीन है तो 1.5 × 2 ये भी कितना हो गया 3, तो डेफिनेटली ये भी हो जाएंगे, फिर 1.5 × ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो Al1 3Cl मिलेंगे टोटल 4, तो 4 × 1.5 तो ये कितना आएगा 6, और यहाँ से ध्यान से देखो तो ये 2 और 1 3 आएंगे 3 × 2 तो ये भी 6, तो ये भी हो जाएगा राइट, यहाँ पे ध्यान से देखो 2.5 KCl है तो ये 5 हो जाएंगे, और ये ध्यान रहे 2 एल्युमिनियम 3 सल्फेट तो ये 5 × 1 तो ये भी 5 हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे चारों को चारों का आइसोटोनिक होंगे, क्यों, क्योंकि सबका आईसी सेम है, जब तक टेम्परेचर ना दे आपको इक्वल मान के चलना है, और चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये KCl Al3 तो इसलिए इनका अल्फा नेगेटिव है तो 1 मान लेंगे, ग्लूकोज यूरिया आपको बता रखा 1 होते हैं उसका आई राइट, इस टाइप से। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप के क्वेश्चन मोलर मास निकालने का, 2.5 ग्राम सॉल्यूट का 250 ml में डिजोल्व किया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में है तो मोलर मास, यहाँ पे बस यूनिट का ध्यान रखना है राइट, बाकी कुछ नहीं है, चूंकि सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I1 लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूट के बारे में बताया नहीं राइट, तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया C × R × T, पाई यहाँ पे ध्यान से देखो पास्कल है लेकिन हमें किस में ले जाना पड़ेगा ATM में राइट, यू नो जितना ATM होता है अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आपका बार हो जाएगा, और ये 10^5 पास्कल होते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा
400 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 10 की पावर 5 से, तो इतना बार आ गया या इतना एटीएम आ गया। कंसंट्रेशन तो 2.5 ग्राम है बाय मोलर मास नहीं मालूम, वॉल्यूम 250 ml में है तो ऊपर में चला जाएगा तो 1000, तो ये कंसंट्रेशन हो गया। R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर जो है वो इसमें गिवन था, एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन ले लो, तो 300 केल्विन पे निकालना था ये। ओके, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं m, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ये 250 से 4 टाइम्स में जाएंगे, ये 20 से ये 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब ध्यान से देखो, तो इधर ये 2.5 इंटू 4 कितना हो गया 10, और ये इधर 3 है, राइट। तो ये 4 से आपका ये 4 भी बाय द वे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ध्यान से देखो 2.5 इंटू 3 राइट इंटू 10 की पावर 5 इधर में, और नीचे में ये 12 बचेंगे, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो 62250 आ जाएंगे। तो कभी कभी इतना बड़ा नंबर आ जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि आंसर होगा कि नहीं, इंटीजर टाइप में हो सकता बेटा, बस आपका प्रोसीजर और यूनिट सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में विच इज़ हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपको आई इंटू सी लेना है, तो आपको सी गिवन है, आई कैसे लेंगे देखो, ये जब भी स्क्वायर ब्रैकेट हो तो ये पूरा एक यूनिट ब्रेक होगा, और चार पोटेशियम है, तो पहले वाले के लिए 0.5 इंटू 4 और 1 5 हो जाएगा। बी वाले के लिए ये 1 मोलर है 1, और ये 2 अमोनियम के और 1 सल्फेट के, तो 3 हो जाएंगे। सी वाले के लिए 0.1 है इंटू 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो 3 हो जाएंगे। डी वाले के लिए 0.5, 2 एलुमिनियम 3 सल्फेट, तो 5 हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया आपका 2.5, ये आपका आ गया 3 राइट, ये आ गया आपका 0.3, और ये भी आ गया आपका 2.5। तो हाईएस्ट आपसे पूछा है तो ऑप्शन कौन आ जाएंगे, बी, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा आ रहा है राइट, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी है। कभी कभी इसी में ऑर्डर भी पूछ सकता है या लोएस्ट भी पूछ सकता है, इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 0.6 ग्राम यूरिया डिजोल्व करके 1.8 ग्राम ग्लूकोज 100 ml ऑफ वाटर में 27 पे ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, 0.6 ग्राम यूरिया है तो 0.6/60, तो ये 0.01 मोल्स हो जाएंगे आपके राइट, कैसे, क्योंकि इसका हटाओगे तो ये 10 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 1/100 0.01 मोल, वैसे ही 1.8/180 तो ये भी आपका 0.01 आएगा, क्योंकि दोनों यूरिया ग्लूकोज का आई वन होता है राइट, पाई इज इक्वल टू आई वन हो गया तो सी आर टी राइट, तो इस केस में दोनों का ऐड करना पड़ेगा राइट, तो सी वन आर टी प्लस सी टू आर टी, बाय द वे सी भी दोनों का सेम है, आर टी अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा सी वन प्लस सी टू, तो डैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इजीली हम ऐड कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ध्यान रहे ये मोल्स है, हमें कंसंट्रेशन लेना है, तो वॉल्यूम 100 ml है उसको डिवाइड करेंगे, तो इसका कंसंट्रेशन अगर निकालूंगा तो 0.01/100/1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा राइट, 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 0.1, तो ये भी 0.1 ही हो जाएंगे राइट, तो 0.1 कितना हो जाएगा 0.2, r की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर आपको लेना है 300। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चे टाइम लगाते हैं, नहीं लगाना है, 12 से काटोगे 12 टू द 24, 12 5 द 60, तो देख लो 25 टू द, तो 50 मतलब 5 के आसपास आएगा, 5 के आसपास कौन है ये, तो ऑप्शन सी, बाकी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आपको करना है बहुत कम कैलकुलेशन करके। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, एक को बोलेंगे आइडियल और एक को बोलेंगे नॉन आइडियल, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं बस। तो आइडियल मतलब वैसे सॉल्यूशन जो फॉलो करेंगे रॉड्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे एंड हर एक टेम्परेचर पे राइट, जबकि ये नहीं फॉलो करेंगे सारे कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे राइट, किसी एक को याद रखो दूसरा उसका रिवर्स हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे जीरो होगा, डैट मीन्स जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, तो मान लो आपने सॉल्यूट का 2 ml लिया और सॉल्वेंट का सपोज कर लो 10 ml लिया, तो टोटल 12 ml हो गया, तो डेल्टा वी मिक्स जीरो रहेगा राइट, ना तो 12 से ज़्यादा आएगा ना 12 से कम, वैसे ही डेल्टा एच ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना ही गेन होगी, इसलिए ये आइडियल कहलाता है, जबकि ऐसा
एग्जैक्टली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, तो ये जीरो होंगे ये सब, राइट ये यहाँ पे जीरो नहीं होगा, आइधर कम होगा या ज़्यादा होगा। ये डेल्टा वी मिक्स मतलब समझ गए राइट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम लिया है दोनों को ऐड करोगे तो वो एग्जैक्टली उसी के बराबर आ रहा है, तो इसलिए डेल्टा वी मिक्स आपका जीरो होगा यहाँ पे, यहाँ पे नहीं होगा। इंटरेक्शन होने की वजह से आइधर उससे कम हो जाएंगे या उससे ज़्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा, जो एक्सपेरिमेंटल है और जो कैलकुलेट करोगे रॉड्स लॉ से, उन दोनों का डिफरेंस अगेन जीरो होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होंगे। तो आप कैसे पहचानोगे कि गिवन सॉल्यूशन आइडियल है? जब सॉल्यूट सॉल्यूट में एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है वो एग्जैक्टली सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो जाए, इसलिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आइडियल की बात हो रही है। और कैसे पहचान सकते हैं? जब आइडेंटिकल इन साइज हो, ये भी वेरी रेयर चांस है राइट, पोलारिटी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए तभी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होंगे। एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, जैसे अल्कोहल मिथेनॉल इथेनॉल, जस्ट नेक्स्ट सीरीज वाला राइट, CH2 का डिफरेंस हो या CH3 का, जैसे यहाँ पे बेंजीन टोलुइन, तो ये सब जस्ट उसके होमोलोगस सीरीज वाले हैं, तो उसी में होगा जस्ट नेक्स्ट वाले राइट, तो ये सब आपका क्या फॉर्म करेगा? आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा जी मिक्सिंग, गैस फ्री एनर्जी और एंट्रोपी मिक्सिंग, तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये डिफरेंस नहीं है, ध्यान दे ये दोनों में सेम बात रहती है, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल, उसके लिए ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होगा, डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए राइट, मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो होनी चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन फॉलो दोनों में होता है, दोनों में सेम है, डिफरेंस नहीं है, बाकी चीज़ें डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी एक पॉजिटिव डिविएशन वाले होते हैं, एक नेगेटिव डिविएशन वाले, तो उसको कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन वाले और एक को बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन वाले। तो ये नेम से ही क्लियर है, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब हुआ कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है राइट, एक्सपेरिमेंट से जो आया वो थ्योरेटिकल प्रेशर से ज़्यादा है, थ्योरेटिकल इन द सेंस जो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेटेड वाला जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम पड़ जाएगा ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल से, इसलिए आप कह सकते हो कि डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव ध्यान रखना, डेल्टा वी पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे कहने का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम मिक्स करेंगे, मान लो 10 ml और 50 ml मिक्स किया, तो टोटल कितना हो गया 60 ml, तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम, 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा एट्सेट्रा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर होंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव से पॉजिटिव ध्यान रखो ग्रेटर, डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब कैसा रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है राइट। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो कि कौन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन होंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट से राइट। इसलिए आप कैसे पहचानेंगे कि कोई गिवन सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा? तो पोलर मॉलिक्यूल में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व है, जैसे वाटर में बेंजीन टोलुइन, तो वाटर पोलर हो गया, बेंजीन टोलुइन नॉन पोलर हो गए, तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई इंटरेक्शन आएगा नहीं, तो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा मतलब हीट देना पड़ेगा, समझ के बात। वैसे ही वाटर में अल्कोहल राइट, ये भी बहुत ज़्यादा पोलर है, ये वेरी लेस पोलर है, तो इस टाइप वाले भी चल जाएंगे, या अल्कोहल में बेंजीन या टोलुइन, तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, और कैसे तो वो समझा दिया, और इतना तो कम से कम ध्यान रखना है क्योंकि 99% यही पूछे जाते हैं। चूँकि पॉजिटिव डिविएशन है तो उसका क्या मतलब है ग्राफिकली, कि जो भी ग्राफ बनेगा वो आपका जो आपका थ्योरेटिकल है उससे ज़्यादा वैल्यू होगी, तो उसके ऊपर बनाना है, जैसे अगर मान लो ये, तो इसके ऊपर यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ये सिर्फ अगर ए की बात करें तो, ये बी का है तो इसके ऊपर ही ग्राफ बनाना आपको, तो ये सब जो है वो आपके पॉजिटिव डिविएशन वाले। और वैसे ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया टोटल वेपर प्रेशर, तो इसके ऊपर आप ग्राफ बनाएंगे, तो ये सब कौन से हो गए? पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव मतलब जो आपका थ्योरेटिकल ग्राफ है उससे ऊपर ग्राफ बनेगा, वेरी सिंपल। चूंकि वी नो वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है, तो इसलिए चूंकि यहाँ पे ऊपर बनेगा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और कभी कभी वो पॉजिटिव डिविएशन ना बोल करके बोल सकता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाले कौन है, तो बात वही है, कहने का तरीका अलग है, समझ के बात। एजियोट्रॉप का क्या मतलब हुआ कि आपका जो सॉल्वेंट डैट मीन्स लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन होगा किसी कंपोनेंट का, वही मोल फ्रैक्शन किस में होना चाहिए? गैस में भी होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप।
वैसे ही नेगेटिव डिवीजन में आप सब कुछ क्या कर देना है, नेगेटिव, डैट मीन्स जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो आपका कम हो जाएगा, डैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल कम हो जाएगा, कैलकुलेटर डैट मीन्स जो आप रॉड सॉ से निकालते हो उससे कम वैल्यू आएगी, इसलिए नेगेटिव वर्ड यूज किए हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने मतलब कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप कैसे पहचान जाओगे कि एक्सोथर्मिक होना चाहिए, जैसे वाटर में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, HCl, HNO3, HBr, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो ये सब के सब आपके नेगेटिव डिविएशन वाले हैं। एक और एग्जांपल ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म इन एसीटोन, राइट। क्लोरोफॉर्म का ये जो हाइड्रोजन है वो 3 क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिवली चार्ज गेन कर लेता है, ज़्यादा ही हो जाता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो इसमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा वो ग्रेटर होगा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, इसलिए ए बी का इंटरेक्शन यहाँ पे कम्पीट करेगा ए ए और बी बी के इंटरेक्शन से। तो ये सारे पॉइंट रटना नहीं बेटा, नेगेटिव में ये सारी चीज़ें हैं। और चूंकि अब इसमें क्या होगा, सारा ग्राफ आपका जो थ्योरेटिकल वाला उससे नीचे रहेगा, जैसे इसमें इसके नीचे ऐसे रहने वाला है, इसमें इसके नीचे ही रहने वाला है, इस लाइन के इसमें इसके नीचे रहने वाला है। तो वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो कभी कभी नेगेटिव डेविएशन ना बोल करके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोल सकता है। एंड ये आपको क्लियर ही है, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, चाहे वो आइडियल हो नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव डिविएशन हो नेगेटिव डिविएशन हो, डजेंट मैटर, इसलिए हमने उसको ऊपर ही लिखा है, राइट। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। इस पे बेस्ट बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जो कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते, सारा चीज़ हमने समझा दिया, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना, अब आप सारे PYQ को कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसा कहा है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड विदाउट कैलकुलेशन भी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली फील कराता हूँ कि ये क्या चीज़ है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, किसी भी सॉल्वेंट को अगर एक क्लोज कंटेनर में रखोगे, राइट, ये प्रैक्टिकली भी आप फील कर सकते हो, तो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो उसके सॉल्वेंट के होंगे वो वेपराइज होकर करके यहाँ पे खाली स्पेस में रहेंगे, राइट। तो उसी को बोलते हैं P0A, डैट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है और कुछ भी नहीं रखा है, तो जो भी इसका प्रेशर होगा उसको बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और नॉट से हम दिखाएंगे, राइट। जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, इस बात का ध्यान रखना है। ये इसके मास पे या मोल पे या इस सब पे कुछ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे 1 लीटर लो 10 लीटर लो, फिक्स है ये P0A, राइट, सॉल्वेंट का। इसलिए मैं इसको कैसे ट्रीट करता हूँ, इट्स लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, राइट। तो वैसा ही केस है ये, वैसे ही एक ऐसा सॉल्यूट जो वोलाटाइल हो उसको भी एक क्लोज कंटेनर में रखोगे तो खाली स्पेस में उसके कुछ प्रेशर होंगे जिसको बोलेंगे P0B। चूंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है इसलिए नॉट लगा रहा हूँ मैं, तो P0B क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, राइट। अगेन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होंगे, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये दोनों पार्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि किसी कंटेनर में सिर्फ सॉल्यूट या सॉल्वेंट आप लोगे तो जो भी उसके वजह से प्रेशर होगा वो नॉट से लिखा जाएगा, डैट मीन्स प्योर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर दिए। तो ध्यान से देखो, ब्लैक कलर वाले मेरे सॉल्वेंट थे, रेड कलर वाले सॉल्यूट थे, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट यहाँ भी होंगे, कुछ सॉल्यूट के भी मोल वेपराइज होंगे, कुछ सॉल्वेंट के भी होंगे। तो यहीं पे समझना है सारे नोटेशन को, अगर मैं सिर्फ PA लिख रहा हूँ, ध्यान दो नॉट नहीं लगाया, तो फिर PA लिखा तो वेपर प्रेशर A का हो गया इन सॉल्यूशन में, डैट मीन्स यहाँ पे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अब खाली स्पेस में कौन कौन होंगे, A के भी कुछ वेपर होंगे और B के भी कुछ वेपर होंगे, तो A का सिर्फ कितना होगा तो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ A, और चूंकि नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि B भी है यहाँ पे, तो ये प्योर नहीं है, तो इसलिए सॉल्यूशन की बात हो जाएगी क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। वैसे ही पी भी वेपर प्रेशर भी इन सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कहीं पे भी x, ध्यान रहे, अगर कहीं पे भी x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो मोल फ्रैक्शन है, बट किस में,
लिक्विड फेज में, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एक से लिखा एक्स बी, तो मोल फ्रैक्शन ए और बी का किस में, लिक्विड फेज में, मतलब लिक्विड में उसके मोल्स कितना है डिवाइडेड बाय लिक्विड में टोटल मोल्स, राइट। सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट का ऐड कर देना है। तो ये ध्यान रहे, एक से हम लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को बताते हैं, जबकि वाई जहाँ पे भी लिखा होगा तो वो मोल फ्रैक्शन किस में बताते हैं, गैस के। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ये यहाँ पे, इसलिए हमने वाई ए और वाई बी ध्यान से देखो इधर वाले में लिखा। डैट मीन्स वाई ए कैसे डिफाइंड हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए गैस में, गैस में मोल्स ए का कितना डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डैट मीन्स ए और बी का गैस में कितना मोल्स है। तो इसलिए ध्यान रहे, एक से ऑलवेज लिक्विड में बताते हैं, वाई से ऑलवेज गैस में बताते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल फीलिंग की बात है, सारे नोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ए से मैं सॉल्वेंट को ले रहा हूँ, बी से सॉल्यूट को ले रहा हूँ, राइट। कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो कंडीशन क्या है कि सॉल्वेंट भी मेरा लिक्विड है और सॉल्यूट भी अगर लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, राइट। तो सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट किया था, सॉल्यूट को बी से, फिजिकल स्टेट दोनों का लिक्विड लिक्विड हो गया, राइट। नेचर कैसा रहेगा, दोनों वोलाटाइल हम ले रहे हैं। अभी जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बात करेंगे उसमें सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल कर देंगे, राइट, डैट मीन्स वो सॉलिड ऐड करेंगे। तो अभी तो मैं दोनों को वोलाटाइल ले रहा हूँ तो बात कर रहे हैं, राइट। प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट ए पी नॉट बी, जो भी बात किया, जब कुछ नहीं ऐड करोगे तो मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड फेज में तो उसके मोल्स लिक्विड में बाय टोटल मोल्स, और इसका एक्स भी तो उसके मोल्स बाय टोटल मोल्स हो जाएंगे, और गैस में बात करेंगे तो वाई ए करना पड़ेगा, राइट। तो ये सभी जानते हैं। नाउ रॉल्स लॉ, राइट। तो इसका क्या कहना था कि किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा किसमें, सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली पोर्शन होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, राइट। तो ये कोई नया चीज़ उसने नहीं कहा, ऑब्वियस बात है, प्रैक्टिकली हम फील कर सकते हैं कि प्रेशर ए का, डैट मीन्स यहाँ पे, राइट, खाली स्पेस में उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा यहाँ पे मोल्स होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इसके नंबर होंगे उतना ज़्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी होगी। तो ये कोई नया चीज़ उसने नहीं कहा, राइट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उसने एक कॉन्स्टेंट ऐड किया, डैट इज पी नॉट ए, वही प्योर वेपर प्रेशर है, इट्स लाइक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की तरह। इसलिए मैंने बोला इसको एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दे देगा। इसलिए प्रेशर ए का गैस फेज में कितना हो जाएगा, पी नॉट ए, एक कॉन्स्टेंट जो दे दिया जाएगा, डैट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड फेज में, ध्यान रहे लिक्विड फेज में। तो रॉल्स लॉ को इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लिक्विड में आपको रिलेशन दिया था, राइट। वैसे ही पी वी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, चूँकि टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, पी टी, या उसी को पी या प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सब एक ही बात है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों के प्रेशर को ऐड कर देंगे, पी ए पी बी, राइट। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट। तो ये वेरी सिंपल है। एक दूसरे हैं डाल्टन्स लॉ, तो इन्होंने गैस में रिलेशन दिया, और इनके अकॉर्डिंग गैस में कितना वेपर प्रेशर होगा किसी का भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, गैस फेज मोल फ्रैक्शन के, बिल्कुल इसी टाइप का था। ये रॉल्स ने लिक्विड में बताया, लिक्विड से रिलेट किया, और डाल्टन्स ने गैस से रिलेट किया। तो वही बात है कि प्रेशर ए का गैस फेज में कितना होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे गैस फेज में उसके कितने ज़्यादा मोल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो इसलिए उसको ये करेंगे तो हटाएंगे तो यहाँ पे उसने टोटल प्रेशर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे लिया। तो इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए का, लेकिन ध्यान रहे किस में, गैस फेज में, इनटू टोटल प्रेशर। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स है, और ये दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। नाउ ध्यान से देखो, तो ये जो पी ए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये दोनों तो सेम ही बात है, राइट। क्यों, क्योंकि गैस फेज में ए का वेपर प्रेशर है। तो पी ए को मैं एक बार लिख सकता हूँ पी नॉट ए एक्स, और एक बार लिख सकता हूँ वाई इंटू पी टी, तो दोनों इक्वल कर दूंगा। तो मोल फ्रैक्शन ए का गैस फेज में अगर निकालना हो, ध्यान दे, मोल फ्रैक्शन ए का गैस फेज में, तो प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर हो जाएंगे। प्रेशर ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, टोटल प्रेशर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये सब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बच्चे रटते हैं, आपको क्लियर है, राइट। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि वो जो मोल फ्रैक्शन है वो गैस फेज में पूछ रहा है या फिर लिक्विड फेज में पूछ रहा है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वी ऑलरेडी नो कि मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है, वन होता है। नाउ ग्राफ की बात करते हैं, तो वेरी सिंपल है, यू नो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए था, पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर मैं कंपेयर करूँ वाई एक्सिस पर, अगर मैं इसको लेता हूँ, तो ये सम कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन एक्स, यहाँ पे ही हो गया, तो वाई इक्वल टू एम एक्स है, राइट। तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं इधर से अगर स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्स ए को जीरो बोला है, तो धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन ए का यहाँ पे कितना हो गया, वन,
तो इस साइड में x से इंक्रीज हो रहा है, इधर x भी जीरो है, यहाँ पे x भी वन हुआ है, मतलब इधर की तरफ b के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, इधर की तरफ a के, एक ही कर पे दोनों को लिया है, और y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर को, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर मैं पी ए का ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे x से जीरो है तो कोई प्रेशर नहीं होगा, और धीरे धीरे यहाँ पे x से वन है मतलब प्योर हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। वैसे ही अगर मैं पी बी की बात करूँ तो यहाँ पे x भी जीरो है तो जीरो रहेगा, और धीरे 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 यहाँ पे x भी वन हो गया, x से है ही नहीं तो ये प्योर हो गया, तो ये पी नॉट बी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि a ज़्यादा वोलाटाइल है b से, राइट, पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से, तो इस टाइप का आएगा। अगर मान लो पी नॉट बी ज़्यादा वोलाटाइल होता तो ये ऊपर होता, ये नीचे होता, ओनली यही डिफरेंस होते। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो ये ध्यान दे, ये वाला जो ग्राफ है वो पी ए का है, ये वाला जो ग्राफ है वो पी बी का, और यहाँ से यहाँ जब आप मिला दोगे तो ये टोटल प्रेशर पी का है, जो आप जानते हो पी टी या पी या पी एस, पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चूँकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम वन होगा तो इसको कन्वर्ट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कौन है, एक ही है एक्स बी, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कौन है, एक्स ए, राइट। तो इस टाइप से भी दे सकते हैं, और इस पर बेस प्रॉब्लम कैसे आते हैं, लिख देगा कि जो प्रेशर पी है वो टू प्लस थ्री एक्स ए है, तो जस्ट कंपेयर करना आपको, इसका मतलब पी नॉट बी टू हो गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी थ्री हो गया एक्स ए से कंपेयर करके, या फिर एक बार एक्स ए को जीरो कर दो, तो एक्स ए जीरो कर दिए तो सिर्फ एक्स बी हो गया, मतलब ये जो पी टू के बराबर हो गया वो पी नॉट बी है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखने के लिए रफी सर ने सिंपल सा ट्रिक दिया, ध्यान से देखो, ए बी आ रहा है तो ए बी से याद रखेंगे, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, कभी याद रखना हो तो। और इसमें कैसा है कि अगर बी को पहले करोगे तो बी ए, प्रोसीजर सेम रहेंगे, वैसा ही है, दिस प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस रहेंगे इन टू ए, तो कैसे बी ए, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये ग्राफ का ध्यान रखना है, राइट। नाउ ट्रिक्स, जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं यहीं से पता लगाया कि ध्यान से देखो, मेरा जो भी आंसर आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वो पी नॉट बी से ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि यही वो पॉइंट सब हैं, और पी नॉट ए से कम होगा, तो हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो इन दोनों नंबर के बीच में होगा, राइट। इसलिए आंसर का रेंज हमें क्लियर है, हमें ऑप्शन गिवन होगा। उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे बोला आपको कि जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसको इस कॉर्नर पे लिख लो, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको उस कॉर्नर पे लिख लो वेपर प्रेशर का, जिसको मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि पी नॉट बी टी है और पी नॉट ए जेड है, जहाँ पे टी से बड़ा है जेड, राइट। वैसे ही मोल्स ऑफ बी को मैं एक्स मान रहा हूँ और मोल्स ऑफ ए को वाई, डेफिनेटली ये कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो अब अगर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो उसमें कंडीशन लिया है, अगर दोनों के मोल सेम है या दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर आ जाएगा, एवरेज कर देना दोनों नंबर का, डैट मीन्स जेड प्लस टी बाई टू कर देना, डैट इज पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई टू, मिड पॉइंट आ जाएगा अगर दोनों का मोल सेम है तो। अगर सेम नहीं है तो क्या होगा सर, तो आप ध्यान दें, अगर मोल्स ए का ज़्यादा है तो जिसका ज़्यादा होगा उसकी तरफ शिफ्टेड होगा, अगर यहाँ पे मैंने माना ए का ज़्यादा है तो मिड पॉइंट से इधर की तरफ शिफ्टेड होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर बी ज़्यादा होता, ध्यान दो, बी अगर ज़्यादा होता तो मिड पॉइंट से इधर की तरफ शिफ्टेड होता, और जितना ज़्यादा होता बी उतना शिफ्टेड होता, तो ये है ट्रिक का पॉइंट। तो वही हमने लिखा कि अगर एन ए ग्रेटर देन एन बी है तो जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, डैट इज टोटल प्रेशर, वो शिफ्टेड होगा टुवार्ड्स ए की तरफ फ्रॉम मिड पॉइंट, राइट। अगेन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, उसके लिए भी रफी सर के पास ट्रिक है, कैसे निकालना है कि आपको जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, डैट इज टोटल वेपर प्रेशर, वो मिड पॉइंट, राइट, ये आप निकाल लेंगे दोनों का एवरेज लेकर के। प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा मिड पॉइंट से अगर आगे जा रहे हैं तो प्लस, मिड पॉइंट से पीछे आ रहे हैं तो माइनस, क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जेड माइनस है मतलब मिड पॉइंट जो है, राइट, अगर इधर की तरफ जा रहे हैं, अभी इस केस में इधर की तरफ जा रहे हैं तो जेड में से एम मतलब ये डिस्टेंस को आपको माइनस करना है, ये डिस्टेंस कितना वो लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल नीचे में एक्स और वाई, ये मोल्स वाले, इनको सम कर देना, इनटू में इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा वाई माइनस एक्स, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देना, तो टेंशन नहीं लेना, ये ट्रिक का पॉइंट है। अगर सपोज करो इधर की तरफ होता तो क्या होता, ये चीज़ यही रहती, यहाँ माइनस रहता, बाकी चीज़ें सेम रहती, जेड माइनस एम की जगह क्या करना पड़ता, एम माइनस जेड,
क्वेश्चन नंबर वन में एक्स का वेट गिवन था 0.6 ग्राम, वाई का 0.45 ग्राम, इनको मिक्स किया गया, मॉलिकुलर वेट भी गिवन था, तो टोटल प्रेशर आया है 740 mm है जी, तो पार्शियल प्रेशर एक्स का बताना है। तो वेरी सिंपल, मोल्स ऑफ एक्स यहाँ से निकल जाएगा कितना 0.03, मोल्स ऑफ वाई कितना जाएगा 0.01, राइट। पार्शियल प्रेशर एक्स का क्या होगा आपको मालूम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इंटू टोटल प्रेशर, राइट। मोल फ्रैक्शन एक्स का कैसे निकालेंगे, उसके मोल्स 0.03 बाई टोटल मोल्स 0.04 इंटू टोटल प्रेशर 740, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 टाइम्स है। आप अगर इसको कट करोगे तो 4 से कितने टाइम में जाएगा, ध्यान से देखो, 4 1 4 3 34 4 8 4 5, राइट, तो 185 3 द कितना हो जाएगा 555, तो आंसर विल बी 555। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में ये वर्ड में था, जस्ट मैं क्या क्या गिवन था उसको लिखाऊं। टोटल प्रेशर 350 है जब मोल फ्रैक्शन ए का 0.7 है और बी का 0.3 है, फिर टोटल प्रेशर 450 आया जब मोल फ्रैक्शन ए का 0.2 और बी का 0.8 है, तो पी नॉट ए बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि आप कैसे लिखेंगे, टोटल प्रेशर पी कैसे था, अगर मैं पी नॉट ए लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बी माइनस ए, राइट, ए बी और ए बी, इस टाइप से इसको यूज कर लेंगे, राइट। 350 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, एक्स बी कितना था 0.3, तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा 450 इज इक्वल टू अगेन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.8, तो ये 2 हो गया। 2 माइनस 1 करोगे तो 450 माइनस 350 कितना आ जाएगा आपको 100, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए टाइम्स ऑफ 0.5, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा आपको पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए जो आ जाएगा वो 200, तो किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पे 200 इंटू 0.3 कितना हो गया 60, तो राइट, तो यहाँ से पी नॉट ए कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो ये उधर चले जाएंगे, तो 350 माइनस 60 डेट इज 290, तो आंसर विल बी 290। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में टोटल प्रेशर आपको गिवन था 0.88 मोल फ्रैक्शन ए का गैस फेज में 0.5 और ए का ही लिक्विड फेज में 0.12, तो पी नॉट ए, तो वीनो की अगर इसकी बात करें तो वीनो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी होगा, और इसी को क्या लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए के बराबर भी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल कर दो, तो वाई ए इंटू पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सब गिवन है हमें, तो हमें क्या करना है आपको पी नॉट ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए, ध्यान से देखो, वाई ए, वाई ए आपको गिवन था 0.5, पी टी टोटल कितना 0.8 बाई एक्स ए, एक्स ए कितना 0.2, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो जाएंगे 4 5 2, तो इसलिए पी नॉट ए आपका कितना आ जाएगा 280। इंटीजर टाइप में इस टाइप से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में पी नॉट ए 50 है, पी नॉट बी 100 है, मोल फ्रैक्शन ए का 0.3, तो टोटल प्रेशर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, ट्रिक्स आपको बताया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ए का 50 है, बी का 100 है, राइट, ये ए हो गया ये बी, ए का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है डेट इज 0.3, तो बी का कितना हो जाएगा 0.7, राइट। अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होता तो हमारा प्रेशर कहाँ पर आ जाता, इन दोनों का एवरेज डेट इज 100 प्लस 50 का एवरेज कितना हो जाता 75, तो डेफिनेटली चूंकि ये ज़्यादा है तो इससे इधर की तरफ शिफ्टेड होंगे, तो हमारा आंसर 75 से ज़्यादा होगा, तो ये दो ऑप्शन गए, इन दोनों में से कोई होंगे, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन होता है, बट यहाँ पे दो ऑप्शन है, उसको भी कैसे करना है तो आपको बताया, मिड पॉइंट डेट इज 75, उससे आगे है तो प्लस, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 0.7 और 0.3, तो 1 ही हो गया, और इनटू में इनका डिफरेंस तो कितना हो गया 0.4, तो ध्यान से देखो 75 प्लस ये 25 इनटू 0.4, तो कितना गया ये 85, सो आंसर विल बी सी, राइट। इसी क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, तो आपको मालूम ही है कि टोटल प्रेशर निकालना है, पी नॉट ए 50 इनटू मोल फ्रैक्शन 0.3, पी नॉट बी 100 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.7, आप ऐसे भी करोगे वही आएगा, ध्यान से देखो 53 द 15 और ये 70, तो कितना गया ये 85, तो ये है रफ़ी सर का ट्रिक, आप ऐसे कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फाइव में इस टाइप से गिवन है प्रेशर, पी नॉट ए पी नॉट बी बताना है, तो आपको बताया था इसको
कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू, चूंकि x भी गिवन है तो मैं कैसे लिखूंगा, p नॉट a प्लस p नॉट b माइनस p नॉट a इंटू एक्स बी। अब इनसे कंपेयर कर लो तो यहाँ से दिख रहा है कि p नॉट a कितना लेना पड़ेगा हमें, 5, राइट, कंपेयर करेंगे तो। और ध्यान रहे कि इसको आप और कैसे लिख सकते हो, तो 5 प्लस ऑफ माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, डैट मीन्स पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए किसके बराबर है, माइनस 3 के, क्योंकि पी नॉट ए मालूम है आपको 5, राइट, तो पी नॉट बी कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 डैट इज पी नॉट बी कितना हो गया, 2। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो और बहुत कम कैलकुलेशन करके भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसेप्चुअल फीलिंग के बारे में, देन फिर ट्रिक्स के बारे में। तो देखो बहुत सिंपल है ये कि अगर मैं किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट लिया है और सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल है, तो उसके कुछ प्रेशर यहाँ पे रहेंगे, राइट, वे जो मॉलिक्यूल उसके वेपराइज होंगे, तो इसलिए उसको बोलेंगे पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर, क्यों, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट है। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि उस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए, जहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट, जहाँ पे सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलाटाइल, डैट मीन्स वो वोलाटाइल नहीं होगा और सॉल्वेंट तो वोलाटाइल था ही, तो इसलिए इसका पी नॉट बी जो सॉल्यूट है उसका पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। और अब सॉल्वेंट का जो होगा वो पी नॉट ए नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी है, कुछ सरफेस कुछ जगह सॉल्यूट पार्टिकल ने ले रखा होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो भी प्रेशर होगा यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, राइट, तो इसलिए हम टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोले, या सिर्फ उसको पी से रिप्रेजेंट करें, या टोटल प्रेशर वो एक्चुअली प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के होगा, और जो कि हम रॉल्स लॉ से निकाल सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, तो ये दोनों चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में आपको क्या दिखा, डैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल फीलिंग, कि भाई एक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, डैट मीन्स जो अभी पी नॉट ए है हमारा, जब हमने कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया, और जब आपने सॉल्यूट ऐड किया तो डैट इज पी ए, तो डेफिनेटली जो आपका पी नॉट ए है वो ग्रेटर है पी ए से, और पी ए ही क्या है, ध्यान से देखो, टोटल प्रेशर है या फिर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो क्या हो गया, आपका प्रेशर कम हो गया है, तो इसलिए बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और कैसे डिफाइन करेंगे, प्योर में से माइनस कर देंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि वही वोलाटाइल है, राइट, तो इस डिफरेंस को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक वर्ड होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव वर्ड लगाने से किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और वो जो है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर का, तो इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम तो जानते ही हैं कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल होता है तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बट यहाँ पे सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है तो पी नॉट बी क्या हो जाएगा, 0, तो इसको अगर 0 पुट कर दोगे तो पी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं, राइट, और यही टोटल प्रेशर है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। दूसरा, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए की जगह मैंने 1 माइनस एक्स बी पुट किया और इसको अरेंज कर दिया, तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हुआ, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी हो गया, राइट, तो यहाँ से आप कह सकते हो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर होंगे, नीचे में टोटल मोल्स होगा, डैट मीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होंगे, वो किसके बराबर हो गया, ध्यान से देखो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालोगे आप, तो डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर पी नॉट ए और P गिवन है सॉल्यूशन का तो इससे निकाल लेंगे, नहीं तो वही किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, अगर वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है, डैट मीन्स वो आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसको ही वो ऐसे बोल दे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो वही बात हो गया, राइट, दोनों चीज़ें एक ही हो गई, बस ध्यान रहे ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, राइट, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। और एक केस लिया हमने कि अगर मान लो कि मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी से बहुत ज़्यादा है, डैट मीन्स वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन है, तो इन दैट केस
जो एन ए प्लस एन बी एन ए के बराबर हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ एन बी बाई एन ए प्लस एन बी को यहाँ पे और रिवर्स कर दूँ, तो फिर हमें ये रिलेशन आ जाएगा। तो कभी कभी ये रिलेशन भी यूज करते हैं, राइट। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें रटना नहीं है। तो फाइनल पॉइंट क्या निकल का आया, ट्रिक्स का पॉइंट क्या है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रहे, ना तो वेपर प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए माइनस पी, जो कि पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओनली, दिस इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको अभी बताया, तो ये ध्यान रखना है। और आप क्या देख पाए कि जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, कैसा, नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड वाला, जैसे वाटर में NaCl, ग्लूकोज, यूरिया ये सब ऐड कर दिया, तो इन दैट केस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिक्रीज हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो टोटल चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो वेपर प्रेशर वाला और फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको बिल्कुल ही एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम इस पे बेस्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में वेपर प्रेशर ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। अगर डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और पी नॉट ऑफ वाटर इज 24 mmHg, तो सबसे पहले यहाँ पे ये रीड करने आना चाहिए आपको। 30% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ कि अगर हमने 100 ml लिया तो उसमें 30 ग्राम आपका कौन है, ग्लूकोज। और यहाँ पे डेंसिटी गिवन है 1 ml का मास 1.2 ग्राम है, तो 100 ml का कितना हो जाएगा, 1.2 × 100, डेट इज 120 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, जिसमें 30 ग्राम तो आपका सॉल्यूट हो गया, राइट। तो इसलिए 90 ग्राम कौन हो जाएगा आपका, वाटर। तो इसके मोल्स निकाल सकते हैं, 30/180 ग्लूकोज है तो 1/6 हो जाएगा, और ये 90/18 तो ये 5 मोल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो आपके पास दो तरीके हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, चूँकि सिर्फ सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो पी नॉट ए एक्स से निकाल सकते हो आप, राइट। तो पी नॉट ए आपको गिवन है 24 मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे एक्स क्या है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं खुद 5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, तो 5 + 1/6। तो ध्यान से देखो तो ये 30/31 × 24 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्लोज टू 24 होगा, लेकिन चूंकि 31 ये बिगर है तो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज में 25 तो पॉसिबल ही नहीं था, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, उससे कम, तो ऑप्शन बी होगा, राइट। और इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो सॉल्वेंट वोलाटाइल है, सॉल्यूट के बारे में कुछ भी नहीं, पी नॉट गिवन है, डेट मीन्स नॉन वोलाटाइल है। तो आपको मालूम है पी नॉट ए, डेट इज प्योर वेपर प्रेशर, माइनस पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, 1/6 / 5 + 1/6। और ये वैल्यू आप कैसे निकालते, तो 24 माइनस यही पी जो आपको निकालना था सॉल्यूशन का, डिवाइडेड बाय 24। तो इधर से आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाता है, 31/6, तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो 1/ कितना हो जाता है, 31, राइट। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, दोनों तरीके से सेम आंसर आएंगे, जस्ट समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर टू में व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर वेपर प्रेशर बाय 0.2 mmHg। 0.2 mmHg से कम करना, और पी नॉट ऑफ वाटर अगेन गिवन है। अगेन यहाँ पे एक ही सॉल्वेंट का आपको वेपर प्रेशर गिवन है, डेट मीन्स RLVP लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप रॉड्स लॉ भी लगा सकते हैं, जहाँ पे हमारा सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो अगर आपको क्या दे दिया है कि लोअर बाई 0.2 mmHg, डेट मीन्स आपको डेल्टा पी गिवन है, तो डेल्टा पी बाई पी नॉट कितना होता है, 54.2, राइट। तो ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, वेट नहीं मालूम है, मान लिया x ग्राम बाय 180, ये इसके मोल्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि ध्यान से देखो तो आपके जो ऑप्शन है वो 3 या 4 के आसपास हैं, राइट। तो उसमें 180 से डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स बहुत कम आने वाला है, इसलिए नीचे में, बाय द वे यहाँ पे 100 ग्राम वाटर है मतलब 5.5 मोल्स उसके हैं, प्लस इसके भी होते हैं जिसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी वेरी लेस होंगे, इसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें x आ जाएगा, कैसे, ध्यान से देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 हो गया वो, ये 542, ये x बाई 180, और ध्यान से देखो तो ये कितना था, 100 ग्राम था, तो 100 बाई 18 एक्चुअली था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ से x हो जाएगा 1000 इंटू 2 बाई 542। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको आप 540 ले लेंगे अप्रॉक्स में, तो 1000 इंटू 2 बाई 540, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 27, इसको भी मैं अगर आप ध्यान से देखो तो 25 ले सकता था, तो ये 4 टाइम्स में, तो एक बात तो क्लियर है कि उससे 4 से कम होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता था, 4 से कम होगा, तो ये दो ऑप्शन है, चूँकि वेरी क्लोज है तो अब हमें करना पड़ेगा, राइट। तो आप कर सकते हो, 27 3 टाइम्स में जाएगा पॉइंट, और जो बचेगा तो वो 6 टाइम्स में आएगा, तो एक ही ऐसा ऑप्शन, डेट इज बी। तो ऐसे आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए बी सी 3 सॉल्यूट है जिसको 180 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है, सबका 10 ग्राम डिजोल्व किया गया है, मॉलिकुलर वेट सबका गिवन है, तो आरएलवीपी का ऑर्डर, तो यू नो अभी आपने देखा आरएलवीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मोल्स कैसे होंगे, तो उसके वेट बाय मॉलिकुलर वेट, उसके मोल्स ऊपर होंगे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबका वेट तो उसने सेम कर दिया है, डैट मीन्स मॉलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वी ऑलरेडी नो, तो जिसका ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा उसका कम होगा, तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो ध्यान रखना आर एल वी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इवन सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिकुलर वेट के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो इस टाइप से आपको करना है। नाउ ज्ञान की बात, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वेरी सिंपल है, जो आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, उसके मोल्स बाय टोटल मोल्स, तो ये नॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल में क्या करते हैं आपको मालूम है, वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकलते हैं, 1 + n - 1 × α, n क्या है, नंबर ऑफ आयंस, कितने ब्रेक होगा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आई मल्टीप्लाई हो जाएगा सॉल्यूट के मोल्स में, तो आई इंटू एन बी, सॉल्वेंट का तो एज इट इज रहेगा, वो तो डिसोसिएट होने रहा, तो एबनॉर्मल इसको बोलेंगे। इसमें बेस एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, जैसे 80% MgCl2 इज डिसोसिएटेड, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ MgCl2 बताना है, P0H2O गिवन है। तो अगेन इसको करने के दो तरीके हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ सॉल्वेंट वोलाटाइल है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो सॉल्वेंट वोलाटाइल है, तो रॉल्स लॉ में लगा ही सकता हूं, तो जो प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना था, डेट इज टोटल प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान से देखना है, P0A तो आपको गिवन है, डेट इज 50 मोल फ्रैक्शन A का, उसके मोल्स आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, वन मोलल गिवन है, वन मोलल का क्या मतलब हुआ, वन मोलल का मतलब हुआ कि वन मोल अगर सॉल्यूट है आपका किसमें, 1000 ग्राम वाटर में, राइट। तो यहाँ पे वाटर का भी आपको मोल्स निकल गया है और सॉल्यूट का भी मोल्स निकल गया, तो हमें ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1000 बाई 18, ये मोल्स हो गए उसके, राइट, और ये मोल्स तो रहेंगे ही, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि हमें किसका लेना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स वन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है, तो MgCl2 कैसे ब्रेक होगा आपको मालूम ही है, Mg+2 में और 2Cl- में, तो इसी को मैंने बताया, टोटल आयंस हमें n कितना मिल गया, 3, तो ये वाला फार्मूला लगा दो, तो i कितना हो जाएगा, 1 + 3 - 1, डेट इज 2, और अल्फा गिवन है 80%, मतलब 0.8, तो यह आ जाएगा आपका 2.6, तो यहाँ पे आप कर देना आपको 2.6, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 50 × ये अप्रॉक्स में 55.5 होगा, नीचे में 55.5 + 2.6, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 50 × ऊपर में 55.5, नीचे में ये 58.1 के आसपास, तो आप ध्यान से देख सकते हो 50 से कम होगा, और ये क्लोज टू में आपको 48 आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप इसी को ऐसे भी कर सकते थे, राइट, कैसे, डेल्टा पी, तो पी नॉट डेट इज गिवन टू यू 50 माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में अभी आप निकाल चुके हो, उसका कितना हो गया, 2.6 डिवाइडेड बाय 2.6
प्लस वो सॉल्वेंट का, तो वो कितना हो जाएगा 1000/18। तो यहाँ से भी सॉल्व करते तो भी आपको पी कितना आता है 48। तो करने के दोनों तरीके सेम ही बात है, तो जस्ट मैंने ये समझाने की कोशिश की है। नाउ हेनरी लॉ, तो ध्यान से समझो, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। वेरी सिंपल इसका कहना था, जैसे मैंने यहाँ पे दो डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि अगर मेरा प्रेशर 1 bar है, ये कोई मेरा सॉल्वेंट है राइट, और इधर कोई गैस रखी हुई है राइट। तो अगर प्रेशर कम होगा तो गैस के बहुत कम मॉलिक्यूल वाटर में आएंगे। अगर प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, ध्यान से देखो, 2 bar कर दिया, तो उसी गैस के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल इसमें आएंगे। तो बस उसका वही कहना था कि अकॉर्डिंग टू हेनरी जो मास होगा गैस का, किसमें, लिक्विड में, ध्यान रहे मास ऑफ गैस इन लिक्विड कितना आया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे जो गैस है वो कितने प्रेशर पे, ऑब्वियस होता है जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस के पार्टिकल उतना ही ज़्यादा लिक्विड में आ जाएंगे, सॉलेंट में आ जाएंगे। तो ये उनका कहना था इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि मास ऑफ एनी गैस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट जो आपको गिवेन होगा, और इनटू प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी, ये उनका कहना था। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हेनरी लॉ है वो एक स्पेशल केस है रॉल्स लॉ का। यहाँ पे भी ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है प्रेशर ऑफ गैस मतलब गैस का खुद का प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, तो वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान रहे एक्स लिखा है, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन कहाँ, लिक्विड फेज में, गैस का जितना से ज़्यादा मोल्स लिक्विड में होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू हेनरी लॉ कांस्टेंट। और अगर आप ध्यान से देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ गैस इन वाटर या इन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट राइट, इस तरीके से निकाल सकते हैं। चूँकि ये जो बहुत कम होगा इसलिए हमने सिर्फ सॉल्वेंट का लिया, और इनटू हेनरी लॉ कांस्टेंट राइट, वेरी डाइल्यूट के लिए लग जाएगा। और ध्यान रहे कि अगर मैं ऐसे लिखूं इसी गैस के प्रेशर को, जो इंडिविजुअल प्रेशर है उस गैस के प्रेशर को ऐसे भी लिख सकते हैं वाई गैस इंटू पीटी। तो ये वाई गैस इंटू पीटी क्या, वाई मतलब यहाँ पे राइट, इस खाली स्पेस में, डेट मीन्स गैस फेज में मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर राइट। तो ध्यान रहे इंटू टोटल प्रेशर है, तो ये गैस का खुद का है, ये टोटल प्रेशर, तो गैस का प्लस जो एक्स्ट्रा कोई होंगे उसका प्रेशर मिला करके क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। तो ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। नाउ कंसेप्चुअल बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैंने क्लियर किया यहाँ पे। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि गैस का गैस में कनेक्शन, डैट मीन्स जब गैस में गैस डिजोल्व है, गैस गैस का मिक्सचर है, तो प्रेशर ऑफ एनी गैस, डैट मीन्स उसका खुद का प्रेशर, डैट मीन्स पार्शियल प्रेशर, सब एक ही बात है, वो क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन गैस फेज में इनटू टोटल प्रेशर। तो ये गैस गैस में बात किया था। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक तरीके से इसने क्या कहना चाहा कि जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट वोलाटाइल होंगे तो वेपराइज होकर कहेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा पीए या पीबी, वो उसके प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, किस में, ध्यान दें, लिक्विड फेज में। तो एक तरह से ये गैस लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, बट ध्यान से समझते हुए दोनों वोलाटाइल हैं तो, या एक वोलाटाइल हैं तो ये कितना वेपराइज होकर के गया, यहाँ पे निकाल सकते हैं लिक्विड के सरफेस पे। जबकि हेनरी का क्या कहना है, उसका रिवर्स डायरेक्शन में एक तरीके से, कि जो भी गैस यहाँ पे है तो वो कितना ज़्यादा डिजॉल्व होंगी, कितना ज़्यादा वो लिक्विड फेज में आएंगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर गैस का प्रेशर कितना है। तो इसलिए मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इसमें डिजॉल्व होंगे। इसलिए मैंने बोला कि हेनरी लॉ जो है वो स्पेशल केस ऑफ रॉड्स लॉ है राइट, दोनों का कहना एक तरीके से सेम है, जस्ट घुमा करके बोला है। तो इसलिए प्रेशर ऑफ गैस तो जितना ज़्यादा होगा, अभी साथ है मोल फ्रैक्शन गैस का, किस में, लिक्विड में, क्योंकि एक्स लिखा हमने, एक्स का मतलब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, उतना ज़्यादा होगा, और उसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो ये भी हम यूज़ करते हैं फार्मूला, और ये भी डिपेंडिंग क्या गिवन है। तो अब हम इस पे बेस्ट अप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर हैविंग प्रेशर ऑफ CO2 इज गिवन टू यू, इतना बार, और हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है, ध्यान रहे किलो बार में, और ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं और कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता क्या करना है। ध्यान से देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है हमें, वो लगाना है प्रेशर ऑफ CO2, जो गैस का प्रेशर चाहिए वही गिवन है। तो यू नो पी गैस इज इक्वल टू क्या होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस राइट, दैट इज CO2 इनटू हेनरी लॉ कांस्टेंट दैट इज केज।
पी गैस आपको गिवन है, लिख दो 0.835 बार है। मोल फ्रैक्शन गैस का कैसे निकालेंगे, तो उसका मास मान लिया x बाई 44, ये उसके मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स में ध्यान रहे 1 लीटर वाटर है, यू नो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो 1 लीटर है मतलब 1000 ml, तो 1000 ग्राम हो जाएंगे उसका वाटर का मास, तो उसके कितने हो जाएंगे 1000 बाई 18 मोल्स, प्लस ये मोल्स आता है लेकिन ध्यान से देखो तो इतना कम है, उसको 44 से डिवाइड करेंगे फिर इतना ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूँ। इंटू ध्यान रहिए 1.67 इंटू 1000 क्योंकि किलो बार है। अब ध्यान से समझो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो गया 0.835, ये एक्स बाई 44, ध्यान से देखो तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, 1000 आपका नीचे, इंटू 1.67 और ये 1000, तो ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखो इसका मैं अगर निकाल दूं तो बाय 100 हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे भी इसका अगर मैं निकाल दूं तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा 1000, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 83.5, राइट, 83.5 इज इक्वल टू एक्स बाई 44 इंटू 18 और ये 167, ये इसलिए ऐसा दिया, ध्यान से देखो तो ये 2 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देगा, राइट, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो एक्स आ जाएगा आपका 44, राइट, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2, तो ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 टू द राइट, तो यहाँ पे ये भी 29 द और 211, तो 11/9 डैट इज 1.2 ग्राम, तो आंसर कितना हो जाएगा ए। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको N2 का गिवन है, डैट मीन्स KH आपको गिवन है 10^5/18। आप ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8, N2 खुद गैस है और एयर में और कौन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है ये एक्चुअली कौन सा गिवन है, वाई वाला 0.8 है, राइट। और मोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर में, डैट मीन्स ये वाटर हो गया, इसका 10 मोल में ये गैस जो भी N2 है वो कितना डिजॉल्व होगा वो निकालना है, तो वही अभी आपको बताया, सेम फार्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पे प्रेशर ऑफ N2 हमें चाहिए, ये ध्यान रहे, कहाँ पे पूछ रहा है, एट 5 ATM, कुछ बच्चे यही प्रेशर पुट कर देते हैं, ये जो 5 ATM है ये बताया नहीं, तो ये टोटल प्रेशर है, जबकि हमें सिर्फ किसका चाहिए, नाइट्रोजन का, तो कैसे निकाल सकते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन गैस में इंटू टोटल प्रेशर है ये 5, तो ये कितना हो गया 4 ATM, तो 4 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में मोल्स ऑफ N2 जो कि हमें निकालना है, राइट, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स में मोल्स ऑफ N2 भी आएंगे, आप देख सकते हो कितना कम है उसका मास, तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और वाटर के मोल्स 10 प्लस समथिंग होता, बट ये इतना लेस है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और N2 में आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट डेट इज 10^5, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो मोल्स ऑफ N2 कितना आ गया 4 × 10^-4, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, हमने बेटा सब कुछ समझा दिया है, अब आपको इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो, सारे PYQ को आप ट्राई कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक यू।